हेलो एवरीवन वेलकम टू दी एग्जाम टाइम तो भाइयों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने एक इंपॉर्टेंट यूनिट की जो कि है आंट्रप्रीनरशिप डेवलपमेंट ये हमारे बिजनेस स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर अपकमिंग सी एग्जाम्स तो ये चैप्टर आपके बिजनेस स्टडीज के अंदर पूछा जा सकता है मतलब इससे क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं सो so, इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करना सो so दैट आपके जो भी क्वेश्चन बने इस पर्टिकुलर चैप्टर से आंट्रप्रिनरशिप डेवलपमेंट से आप उसे बहुत ही ईजिली कवर कर पाओ सो so, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं आपके जो भी डाउट्स होंगे आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो साथ ही साथ यहाँ जो नंबर स्क्रॉल डाउन हो रहा है इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो अपने सारे डाउट्स सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को उससे पहले मैं इस पेज को थोड़ा सा जूम कर लूँ तो so, आप देख पाओ ये है हमारा यूनिट नंबर आपके बिजनेस स्टडीज का अगर बात करें सिलेबस सिलेबस की तो ऐसा कुछ आपका सिलेबस देखने को मिलता है चलिए मैं एक एक चीज को यहां पे एक्सप्लेन करूंगा उससे पहले आपको थोड़ा सिलेबस बता दू ठीक है देखो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या कंसेप्ट फंक्शन एंड नीड्स पढ़ना है का, के देखने हैं साथ कॉम्पिटेंसीज क्या प्रोसेस होता है आंट्रप्रनोरशिप डेवलपमेंट का और साथ ही साथ एंट्रप्रनोरियल वैल्यूज एटीट्यूड एंड मोटिवेशन अब देखो तुम इसे आंट्रोप्रनोरियल प्रोनन्शिएट प्र, कर सकते हो आंट्रप्रनोरियल प्रोनन्शिएट कर सकते हो कुछ भी प्रोनन्शिएट कर सकते हो ठीक है उस पर मत जाना सो so, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को तो देखो यहाँ पे मैंने तुम्हारे सारे नोट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रखे हैं एक एक चीज को मैं आप एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने मीनिंग एक्सप्लेन करा है एंट्रप्रनोरशिप डेवलपमेंट का तो समझते हैं इसके मीनिंग को तो यहाँ पे हमें बताया गया कि एंट्रप्रनोरशिप डेवलपमेंट होता क्या है बेसिकली बेसिकली जो हमारे एंट्रप्रनोर होते हैं मतलब जो हमारे बिजनेस होते हैं उसकी यहाँ पे बात होगी समझना ठीक है ये चैप्टर बहुत ही ईजी चैप्टर बहुत ही आराम से समझ सकते हो कुछ है नहीं इसमें अब सोच सोचना यहाँ पे तुम ध्यान से जरा समझना एक जो बिजनेस मैन होता है ठीक है हमें टाइम टू टाइम उसके स्किल्स को बढ़ाना होता है उसके नॉलेज को एनहैंस करनी होती है हमें उसकी डेवलपमेंट करनी होती है तो जस्ट उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड उनके क्रिएटिविटी से रिलेटेड सारी बातें कहाँ पर होती हैं आंतरप्रोनरशिप डेवलपमेंट में होती है तो यहाँ पर तुम पढ़ भी पाओगे आंतरप्रनरशिप डेवलपमेंट मीन्स इन्सिंग द नॉलेजेस एंड द स्किल्स ऑफ आंट्रप्रॉर्स ठीक है थ्रू सेवरल क्लास रूम्स कोचिंग्स एंड प्रोग्राम्स ट्रेनिंग द मेन पॉइंट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस इज टू स्ट्रेंदन एंड इनक्रीज द नंबर ऑफ आंतरप्रेनोर तो ये सारी बात की गई है अंतरप्रीनोरशिप डेवलपमेंट के अंदर ठीक है समझ पा रहे वॉट इज आंतरप्रनोरशिप डेवलपमेंट होता है क्या बेसिकली आंतरप्रनोर के स्किल्स को स्ट्रेंदन करना उनके स्किल्स को बढ़ाना ठीक है मतलब उन्हें कहीं ना कहीं डेवलप करना उनके जो प्रेजेंट सिनेरियो में प्रेजेंट टाइम पे उनकी जो स्किल्स है लेवल ऑफ नॉलेज है उन्हें इन्हांस करना ही हमारा आंट्रप्रेनरशिप डेवलपमेंट होता है ठीक है सर ये तो समझ आ गया अब पहले ये बताओ व्हाट इज आंतरप्रनोर आंट्रप्रनोर बेसिकली होता क्या है हम ये तो समझ ली कि आंतरप्रनोरशिप डेवलपमेंट होता क्या है तो अगर हम बात करें आंतरप्रिनोरशिप के बेसिक मीनिंग की तो हमें यह समझना होगा ये आंतरप्रिनशिप एक फ्रेंच वर्ड से निकल कर आया है जिसे हम बोलते हैं आंतरप्रिंद्रे ठीक है फ्रेंच वर्ड है और एक जर्मन वर्ड है यूटेरियम ठीक है अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है उस पर मत जाना जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल्स हु हु अंडरटेक्स दोज अंडरटेक्स द रिस्क ऑफ द न्यू एंटरप्राइज मतलब यहां पे क्या बोला गया है आंतरप्रनिदेय का मतलब होता है इंडिविजुअल्स हु आर अंडरटेकर्स मतलब जो कि कहीं ना कहीं जो हमारे नए इंटरप्राइज होते हैं ठीक है, है? हमारी जो नई इंटरप्राइज होती है उसमें जो भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उसको वो ले उसे हैंडल करे उससे कॉप करे ही हमारा कौन होता है आंतरप्रनरशिप होता है आंतरप्रनरशिप एक डायनामिक एक्टिविटी है ठीक है ये जस्ट क्या है एक ये एक एक्टिविटी है इट इज़ एन एक्टिविटी विच हेल्प द आंट्रप्रनोर टू बिंग चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनोवेशन इन प्रोडक्शन न्यू यूज़ेस ऑफ मटीरियल साथ ही साथ क्रिएटर ऑफ मार्केट तो बोला क्या गया है यहाँ पे कि हमारा जो आंट्रप्रनोरशिप है ये एक डायनामिक एक्टिविटी है मतलब टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते हैं जो कि हमारे एंट्रप्रनोर को हमारे बिजनेस मैन को मदद करता है हमारे जो प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं उसमें चेंजेस लाने में साथ ही साथ हमने जो प्रोडक्शन करने हैं उसमें इनोवेशन लाने में नई नई चीज़ें डेवलप करने में मदद करता है हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है जो रिसोर्सेस अवेलेबल है हम कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कैसे हमें इनोवेटिव माइंड से उसे सोचना है उसके बारे में बात होती है आंतरप्रीनरशिप के अंदर ठीक है ये चीज़ समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो जल्दी से बताओ चलो अब बात करते हैं एक माइंड में क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि ठीक है सर आंट्रप्रीनरशिप समझ आया आंट्रप्रोनरशिप डेवलपमेंट समझ आया अब ये आंट्रप्रनोर होता क्या है लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ये एक हमारे कौन होते हैं ये बिजनेसमैन होते हैं जो किसी इंटरप्राइज को रन करते हैं ठीक है एंड आंतरकनोर इज एन इकोनॉमिक चेंज एजेंट वर्ड पे फोकस करना यहाँ पे एजेंट यूज किया गया है ठीक है कि आंतरकनोर कौन है एक इकोनॉमिक चेंज एजेंट है जो कि अपने नॉलेज स्किल्स इनिशिएटिव और ड्राइव साथ ही साथ स्पिरिट से वो अपने गोल्स को अचीव करता है अब वो गोल्स अचीव करने के लिए नए नए इनोवेशंस करेगा अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करेगा मतलब तुम्हें समझने वाली ये बात है कि एक बिजनेसमैन मैन यहाँ पे अपने स्किल्स अपने क्रिएटिविटी अपने स्पिरिट को इस्तेमाल करके नए नए गोल्स को अचीव कर पाता है कौन होता है वो आंट्रप्रनर होता, होता है या एंट्रप्रनर होता है ही आइडेंटिफाइज एंड सीज अपॉर्चुनिटीज फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ये एक रिस्क बियर है एक ऑर्गेनाइजर है एंड इनोवेटर भी है मतलब हम आंतरप्रेनोर को एक रिस्क बियरर भी बोल सकते हैं जो कि एक अपने पूरे बिजनेस एंटरप्राइज का रिस्क बेयर करें साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइजर है जो रिसोर्सेज को असंबल करे ऑर्गेनाइज करे और इनोवेटर है मतलब नई नई चीज़ों को इनोवेट करे इनोवेशन करे क्रिएटिविटी के थ्रू ठीक है इकोनॉमिस्ट के द्वारा आंतरप्रेनोर को डिफाइन किया गया एंड आंट्रप्रनोर इज वन हु ब्रिंक्स रिसोर्सेज जो कि रिसोर्सेस लाए लेबर्स लाए मटेरियल्स लाए और अदर एसेट्स ठीक है इन टू कम्बिनेशन प्रोड्यूस अ सोशली वायबल प्रोडक्ट एंड ऑल्सो हु इंट्रोड्यूस चेंजेस इनोवेशन एंड न्यू ऑर्डर मतलब इकोनॉमिस्ट के अनुसार बताया गया कि आंट्रप्रनोर कौन होते हैं जो कि सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करें और वो रिसोर्सेज हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करें साथ ही साथ नए नए इनोवेशंस करें नए नए चेंजेस इंटरप्राइज में इंट्रोड्यूस करें ठीक है सर ये भी समझ आ गया चलिए सर आंट्रप्रनोरशिप मैंने आपको बता दिया आंट्रप्रनोर बता दिया अब वट इज एन अंटरप्राइज ठीक है बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं इंटरप्राइज होता क्या है बेसिकली तो अगर हम बात करते हैं जब इंटरप्राइज की तो इंटरप्राइज इज एन एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन विथ अ प्रोडक्ट और सर्विस दे मे बी स्मॉल और लार्ज फॉर प्रॉफिट एज वेल एज फॉर नॉन प्रॉफिट मतलब एक इंटरप्राइज एक एक्टिविटी है एक ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है एक फॉर्म की तरह कह सकते हो जो कि छोटी हो सकती है बड़ी हो सकती है प्रॉफिट के लिए काम कर सकती है बिना प्रॉफिट के लिए काम कर सकती है तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बिजनेस में हो ठीक है तो ये तीन वर्ड आई होप आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज आंतरप्रनोर व्हाट इज इन आंतरप्रनोरशिप एंड व्हाट इज इंटरप्राइज अब इन्हीं के प्रोसेस को मतलब जब हम ठीक है जब हम आंतरप्रनोर के स्किल्स को मतलब यहां पर जो हमने बात करा था एंटरप्रेन्योर जब हम एक बिजनेसमैन के स्किल्स को डेवलप करते हैं उनके लेवल ऑफ नॉलेज को एनहांस करते हैं उनकी क्रिएटिविटी को एनहांस करते हैं उसी को हम लोग नाम देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी चलिए सर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो कि हम लोग आ चुके हैं थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं इसे चलिए वट इज़ एन फंक्शन वट इज़ अ फंक्शन ऑफ एन आंसर ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में आपसे फंक्शन के ऑप्शन दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है ठीक है तो समझना सबसे पहले एक बिजनेस मैन का फंक्शन क्या होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करे जो उसके एक्सटर्नल इन्वॉमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपॉर्चुनिटीज मतलब कह सकते हो जो उसके लिए बेनिफिशियल हो कहीं ना कहीं अगर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है वो तो उसकी डेवलपमेंट हो पाएगी ठीक है तो उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना जिससे आइडेंटिफाई करेगा और वो उसे ग्रैप करेगा नए नए प्रोडक्ट्स इंटरप्राइज में इंट्रोड्यूस करें सारे रिसोर्सेज को गैदर करें एक जगह पे इकट्ठा करें सारे रिसोर्सेज को सो दैट वो नए मेथड से नई नई प्रोडक्शन कर पाए और नए नए मार्केट्स को वो डेवलप कर पाए तो बेसिक ये चार हमारे आंट्रप्रनोर के फंक्शन होते हैं ठीक है सर अब क्वेश्चन आता है कि वॉट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आंट्रप्रनोर की आंट्रप्रनोर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमें यहाँ पे समझना जरूरी है तो सबसे पहले यहां पे आता है विजन आपको अगर कोई साउंड सुनाई दे रही होगी गाड़ी की हॉर्न सुनाई दे रही होगी तो प्लीज बेयर कर लेना उसे ठीक है भाई अब चलो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इसमें सबसे पहला आता है विजन विजन का मतलब समझना होगा कि फ्यूचर की यहां पे कहीं ना कहीं बात हो रही है यहाँ पे एक आंट्रप्रनोर क्या करता है अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करता है कि कैसे मार्केट डिमांड बनने वाली है अपने इन्वामेंट को एनालाइज करता है सो so दैट उनकी जो बिजनेस वेंचर है वो फ्यूचर में सक्सेस हो पाए मतलब कौन सा मार्केट डिमांड क्या होने वाला है किसकी क्या डिमांड होने वाली है वो पहले से विजुअलाइज करता है अपने विजन के थ्रू ठीक है बात करें अगर नॉलेज की तो उसके पास कंसेप्चुअल नॉलेज होती है सारे टेक्निकलिटीज़ की जो कि बिजनेस में उसे कहीं ना कहीं फेस करने होते हैं कैसे वो रिस्क को हैंडल करेगा कैसे नए नए प्रोडक्ट्स को मैनेज करेगा कैसे अपने एम्प्लॉयज के बीच कोऑर्डिनेशन बनाएगा तो हर एक नॉलेज कहीं ना कहीं एक आंतरप्रोट के अंदर होती है गुड बिजनेसमैन के अंदर होती है डिज़ायर टू सक्सीड उसका डिज़ायर ही होता है कि उसे सक्सेस लेना उसके है उसके मल्टीपल गोल्स होते हैं ठीक है एंड सीक अपॉर्चुनिटीज टू भी प्रोडक्टिव एंड उसकी अपॉर्चुनिटी क्या होती है मानकर चलता है कि हम प्रोडक्टिव कामों में अपने आप को और भी इन्हांस करेंगे उसके मल्टीपल गोल्स होते हैं इस बात का तुम ध्यान रखना इंडिपेंडेंस होता है मतलब वो अपने काम को लेकर इंडिपेंडेंट होता है किसी पे डिपेंड नहीं होता है कि ऐसा नहीं कि अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय नहीं आया तो उसका वो काम उस सिचुएशन में रुक जाएगा वो टोटली totally खुद पे डिपेंड होता है ठीक है मतलब वो औरों से इंडिपेंडेंट होता है अपने वर्क को लेकर और अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर ऑप्टिमिज्म होता है मतलब वो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढता है आइडेंटिफाई करता है और उसे ग्रैप करता है वैल्यू एडिशन अब ये तो आपको समझना होगा कि जिस बंदे के अंदर इतनी सारी नॉलेजेस है वो कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करेगा नई नई चीजें ऐड करेगा वैल्यू एडिशन इन द सेंस कि इनोवेशन करेगा अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू अपने स्किल्स के थ्रू नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करेगा अपने इंटरप्राइज में तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं हमारे वैल्यू एडिशन के अंदर आती हैं है. चलिए आगे बात करते हैं यहां पर बता रखा है इनिशिएटिव के बारे में इनिशिएटिव का मतलब होता है समथिंग ब्रिंगिंग समथिंग न्यू ठीक है ही टेक्स इनिशिएटिव टू मेक एन एक्शन प्लान फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है उस लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना एक एक्शन प्लान तैयार करना ही इनिशिएटिव कहलाता है गोल सेटिंग वो रियलिस्टिक गोल सेट करेगा ऐसा नहीं कि अनरियलिस्टिक गोल उसने सेट कर दिया जो कि कभी अचीव ही ना हो पाए समझ पा रहे हो मेरी बात को मतलब तो यहाँ पे गोल को रियलिस्टिक सेट करना है जो कि मैनेजमेंट भी समझ पा, समझ पाए उस गोल को और इम्प्लॉय भी समझ पाए साथ ही साथ वो आंतर भी उसे अचीव कर पाए तो रियलिस्टिक गोल सेट करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्वर ही इज अ क्रिएटिव इन प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव होता है सारे प्रॉब्लम्स को लेकर कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो बहुत ही आसानी से जानता है गुड ह्यूमन रिलेशन बनाकर चलता है वो एक गुड लीडर होता है गुड मोटिवेटर होता है टीम बिल्डर होता है टीम स्पिरिट को मेंटेन करता है अपने पूरे टीम में कोऑर्डिनेशन बनाकर चलता है सो दैट कोई भी क्योंस ना हो पाए आपके एंटरप्राइज में कभी कोई स्ट्राइक पे ना बैठे कोई प्रोटेस्ट ना करे आप एक गुड लीडर बनो जिससे कि आपके फॉलोअर्स हो आपको लोग फॉलो करें या नहीं मुझे उसकी तरह बनना है वो ऐसा कर रहा है मैं भी वैसा ही करूँगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए बात करने के तरीके अच्छे होने चाहिए एक होता है ना कि गुड लिस्नर भी आपका होना इम्पॉर्टेंट होता है जब आप आंतरपिन के पोजिशन पर होते हो जिससे कि आप दूसरों को इन्फ्लुंस कर पाते हो ठीक है तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक आंतरपेनोर की चलिए अब वेरियस टाइप्स होते हैं आंतरपिनोर के उसके बारे में हमें बात करना होगा देखो यार ये सारी चीजें आपके सिलेबस में इतने तरीके से नहीं दी गई हैं कि वो हमें टाइप्स ऑफ आंतरपिनोर देखना है लेकिन आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं इन सब चीजों को लेकर बात करते हैं यहां पे देखो वेरियस लोगों के अनुसार वेरियस ऑथर्स के अनुसार वेरियस एक्सपर्ट्स के अनुसार यहां पे आंतरपिनोर्स को क्लासिफाई किया गया एक एक करके सारे आंतरपिनोर्स को समझेंगे फिर आज के सेशन को यही एंड करेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे ठीक है चलिए यहां पे देखिएगा जरा क्लैरेंस बेनहॉफ के द्वारा आंतरप्योर को टोटल चार पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है पहला आता है अग्रेसिव जिसे कि हम इनोवेटिव भी बोलते हैं दूसरा इनिशिएटिव जिसे कि हम एडोप्टिव इन्वामेंट भी बोलते हैं आंतरप्योर भी बोलते हैं और फेबियन है और एक ड्रोन है चारों को एक करके समझते हैं सबसे पहले जानेंगे वट इज एन अग्रेसिव और इनोवेटिव आंतरप्रनोर ठीक है द वन हु यूजेज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशंस एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू असम्बल एंड इंजीनियर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एज अ इनोवेटिव आंतरिक और यहाँ पर हमें समझने वाली बात यह है वैसा बंदा जो कि इनोवेशंस करे ठीक है अब अलग अलग इन्फॉर्मेशंस होते हैं उन सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करें साथ ही साथ जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन्हें इकट्ठा करें दोनों का कॉम्बिनेशन बनाए और एक नए प्रोडक्ट की ईजाद करें नया प्रोडक्ट तैयार करें वही होता है हमारा इनोवेटिव जो नाम से ही समझ पा रहे हो जो कि कहीं ना कहीं नई चीज़ें इनोवेट करें अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू वही होता है एग्रेसिव जो काम को लेकर एग्रेशन भरा पड़ा हो उसके अंदर चलिए बात करते हैं इमिशिएटिव या एडोप्टिवर्प्रोर तो यहां पे हम इसे सिंपली याद क्या रख सकते हैं वैसा बंदा जो कि किसी एक सक्सेसफुल इनोवेशन का जो कि किसी दूसरे आंट्रप्रनोर ने किया हो उसे अडॉप्ट कर ले ठीक है समझ सकते हो आप बात को मैं बता रहा हूं एक ए एंट्रप्रनोर था एक बी आंट्रप्रनोर है ठीक है ए ने कोई सक्सेसफुल इनोवेशन uh, करा होगा अब बी ने डायरेक्टली उसे अडॉप्ट कर लिया तो यहां पे जो हमारे बी भाई साहब हैं वो आएंगे इमिशिएटिव और अडॉप्टिव एंट्रप्रनोर के अंदर और ए भाई साहब आ जाते हैं एग्रेसिव और इनोवेटिव आंट्रप्रनोर के अंदर चलिए बात अगर करें फेबियन आंट्रप्रनोर की तो द वन हु इज टिमिड एंड कॉशियस इन मेकिंग बोल्ड डिसीजन जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हो हर चीजों में वो केयरफुल रहना पसंद हो उसे मतलब फूक फूक के कदम रखता हो द वन हु इज टिमिड एंड कॉशियस इन मेकिंग बोल्ड डिसीजन डिसीजन लेने में वो कहीं ना कहीं संभल कर चलता हो सच एन आंट्रप्रनोर एडॉप्ट इनोवेशन इन हिज बिजनेस ओनली वेन फील नो इनोवेटिंग वो इनोवेशन तभी करेगा जब वो श्योर हो जाए कि ये इनोवेशन हमारी बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगा रिस्क टेकर नहीं होता है कहीं ना कहीं रिस्क लेना उसे पसंद नहीं होता है तो फेवियन एंट्रप्रोर के अंदर ये सारी चीजें हमें समझनी होती है ड्रोन एंट्रप्रोर की बात करें तो वन हु रिफ्यूज टू अडॉप्टू इनोवेशन इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिट्यूज रिटर्न जो कि सिंपली मदद कर मना कर दे मुझे यार नहीं लेना सिंपल मैं नहीं जानता बात खत्म चाहे मुझे वो चीपर कॉस्ट को क्यों ना मिले हमारे आइटम्स के कॉस्ट को रिड्यूस ही क्यों ना कर दे मुझे नहीं लेना है ठीक है चार क्लियर हुए ये थे क्लियरेंस बैनहॉव के द्वारा एग्रेसिव इनिशिएटिव फेबियन और ड्रोन आंतरप्ल आई होप तुम्हें ये समझ आए होंगे चलिए अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू ऑथर एच कोल के अकॉर्डिंग तो यहां पे अंतरप्रनोर को तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है एम्पायरिकल आंतरप्रेनोर रेशनल एंट्रप्रेनोर और आता है हमारा कोगनेटिव आंतरप्रनोर एम्पायरिकल आंट्रप्रनोर की बात करें तो एन आंतरप्रनोर हु डज नॉट इनोवेट एंड फॉलोज द रूल ऑफ थम्प ठीक है जो कि ना ही इनोवेट करे ठीक है और ना ही रूल ऑफ थम्ब को फॉलो करे जो कि चला आ रहा है जो प्रथा चली आ रही है वो उसे फॉलो ना करें रेशनल देखो ये सारी सिंपल सिंपल भाषा में मतलब आसान भाषा में लिखी गई है तुम एक बार पढ़ोगे समझ जाओगे रेशनल अंतरप्रन्य की बात करें तो एन रेशनल इज वन हु कीप्स हिमसेल्फ अपडेटेड विथ हिज बिजनेस जो कि रीसेंट टेक्नोलॉजीज को लेकर रीसेंट चेंजेस को लेकर रीसेंट मार्केट और इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर अपडेटेड रहे साथ ही साथ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज भी वो अपने बिजनेस में लेकर आए उसे हम नाम देते हैं रेशनल अंतरप्रन्यर अगर हम बात करें एं कोग्नेटिव एंट्रप्रनोर की तो एन आंट्रप्रोर दैट सीक्स एडवाइस एंड सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स टू मेक चेंजेस विच आर रिवॉल्यूशनरी एंड रिफ्लेक्ट अ कंप्लीट शिफ्ट फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मतलब जो कि कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स के एडवाइसेस को ले उनके सजेशंस को ले कि क्या उसे बिजनेस में कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाने चाहिए सो दैट उनके बिजनेस ग्रो करें तो वो होता है हमारे कोग्नेटिव एंट्रप्रनोर के अंदर क्लियर अब बात करें अगर अकॉर्डिंग टू ओनरशिप की तो इसमें भी क्लासिफिकेशन दिए गए हैं हमें उसे समझना होगा दिखाना चाहूंगा आपको ये रहा थोड़ा सा जूम करूंगा मैं इसे चलिए यहां पे क्या बात की गई है पब्लिक आंतरप्रिनरशिप और प्राइवेट आंतरप्रनोरशिप ठीक है देखिएगा जरा ओनरशिप की बात यहां पे हो रही है दीज आर इंडिविजुअल्स हु पार्टनर विद द गवर्नमेंट सरकारी एजेंसी टू क्रिएट एंटरप्राइज एंड विच द पब्लिक इन द इनोवेटिव वेज जो कि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट बॉडी के साथ कंबाइन कर जाए ठीक है पार्टनरशिप कर ले और वो कहीं ना कहीं इनोवेटिव तरीके से पब्लिक को सर्व करे वर्ड यहाँ पे आ रहा है पब्लिक पब्लिक को सर्व करे वो होता है पब्लिक आंट्रप्रिनरशिप और प्राइवेट तो यहाँ पे समझ लो कि जो कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट ओरिएंटेड हो अब ये समझना होगा पब्लिक आंट्रप्रेनोरशिप कहीं ना कहीं सोशल ओरिएंटेड होगा इनका सोशल वेलफेयर पर्पस होगा लेकिन जब बात आती है प्राइवेट प्राइवेटिप की तो यहां पे प्रॉफिट ओरिएंटेड ये लोग होते हैं चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट इसमें क्लासिफिकेशन जो दे रखा है अकॉर्डिंग टू दी स्केल ऑफ इंटरप्राइज स्केल के अनुसार क्या होता है सर लार्ज होंगे लार्ज होंगे या नहीं होंगे होंगे सर लार्ज स्केल होंगे और स्मॉल स्केल होंगे तो लार्ज स्केल आंट्रप्रनोर कोर होंगे जो कि जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में पाए जाएंगे ठीक है दीज आंतरप्रनोर इंट्रोड्यूस रिवोल्यूशनरी आइडियाज अब जाहिर सी बात है ये लार्ज स्केल अंतरप्रिनोर है इनके पास रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होंगे टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो ये कहीं ना कहीं रिवोल्यूशनरी आइडियाज ला पा रहे होंगे अपने बिजनेस में साथ ही साथ हाई प्रॉफिट बना पा रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज क्योंकि इनके पास सारी रिसोर्सेज इजिली अवेलेबल है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हाई एडवांस हाई टेक टेक्नोलॉजीज है लेकिन जब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल अंतरप्रनोर की तो वो कहीं ना कहीं रिवोल्यूशनरी आइडियाज को लाने में पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास वो उतने रिसोर्सेस और हाईटेक टेक्नोलॉजीज -tech नहीं हो पाती है तो ये रहे कुछ क्लासिफिकेशन बेसिकली चार क्लासिफिकेशन है ठीक है तो इसे पढ़ लेना एक बार जस्ट रिवाइज करोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ आंट्रप्रेनोरशिप की तो क्या नेचर होती है आंतरप्रेनोरशिप की तो सबसे पहला क्रिएशन ऑफ एन इंटरप्राइज मतलब यहां पे होता है क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ एन इंटरप्राइज की कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बने कैसे एक एंटिटी बने वो कहां पे बात होती है आंतरप्रेनोरशिप में बात होती है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है मतलब जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड लेबर कैपिटल आंट्रप्रनोर उन सबको ऑर्गेनाइज करना उन सबको इकट्ठे लाना ही आंतरप्रिनरशिप का नेचर होता है इनोवेशन करो नई

ह्यूमन नीड्स और जो भी अवेलेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेस है इन दोनों के जो बीच गैप होता है आपको क्या चाहिए आपकी क्या डिमांड है आप एक प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हो वो फुलफिल करना उस गैप को खत्म करना इस प्रोडक्ट और आपके नीड के बीच क्या गैप बन रही है वो किसका फंक्शन होता है किसका नेचर होता है एक आंट्रप्रनरशिप का नेचर होता है आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हो ठीक है समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो जल्दी से मुझे बताओ ये नेचर ऑफ आंट्रप्रनरशिप हो गया था पहले आपको बता दे रहा हूं अब बात करेंगे प्रोसेस ऑफ आंतरप्रनोरशिप की कि आंतरप्रनोरशिप का प्रोसेस क्या होता है बेसिकली उसके बारे में हमें यहाँ पे अभी समझना है ठीक है तो सबसे पहले देखो जस्ट वेट फॉर अ मिनट जस्ट वेट फॉर अ मिनट तो यहाँ पे आई होप आपको हर एक चीज क्लियरली विजिबल होगा ठीक है तो देखो सबसे फर्स्ट अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे आता है हमारा आइडेंटिफाइंग एंड अपॉर्चुनिटी ठीक है तो ये सबसे फर्स्ट प्रोसीजर है हमारा कौन सा है आइडेंटिफाइंग एंड अपॉर्चुनिटी उसके बाद अ विजन है एक एक करके हमें सारे प्रोसेस को यहां पे डिस्कस करना है तो एक एक करके सारे प्रोसेस को समझना स्टार्ट करते हैं ठीक है तो सबसे फर्स्ट है यहां पे आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अपॉर्चुनिटी आपको पता है बेसिकली अपॉर्चुनिटी होता क्या है ठीक है अगर ये नहीं पता है तो दिक्कत वाली बात है वैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अपॉर्चुनिटी बेसिकली आपको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकता है जो कि कहीं ना कहीं आप जिसके थ्रू डेवलप कर सकते हो खुद को तो प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक आंतर क्या कोशिश करता है कि वो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर पाए एंड आंट्रप्रो सेंसेस अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटिव एंड ओपन टू न्यू आइडियाज एंड सी चैलेंजेस नीड्स वॉन्ट्स प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस दैट आर नॉट मेड और डील्ड इफेक्टिवली बात क्या की जाती है कि जो हमारे ऑन्ट्रप्रनोरस होते हैं वो क्या करते हैं जो हमारी अपॉर्चुनिटीज हमारे मार्केट में अवेलेबल होती है वो उसे विजुअलाइज करते क्यों विजुअलाइज करते कैसे विजुअलाइज करते हैं वो क्रिएटिव नेचर की होती है उनकी जो स्किल्स होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और कहीं ना कहीं उन्हें चैलेंजेस फेस करना पसंद होता है सो so दैट वो अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हमारे मार्केट में अवेलेबल है वो कोशिश करते हैं कि उसे विजुअलाइज करें और उस अपॉर्चुनिटीज़ को वो ग्रैब कर पाए ठीक है दे लुक फॉर नीड्स वॉन्ट प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस दैट आर नॉट मेड और डील इफेक्टली वे वो वैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे वो वैसे नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि जनरली लोग स्किप कर देते हैं कि यार वो टफ है मैं नहीं कर पा रहा हूं अब आंतरप्रोर होते हैं चैलेंजिंग नेचर के वो सबसे पहले वैसे ही प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे उससे कैसे इफेक्टिवली डील करना है वो उसे सोचते हैं सिंस देयर आइडियाज आर इनोवेटिव दे गेन फर्स्ट मूवर एडवांटेज अब उनकी आइडियाज जो होती है वो इनोवेटिव होती है सो so दैट वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं सबसे पहले वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे सो so दैट वो एक एज पे रह पाए ये चीज तुमने सुना होगा कि जो भी सबसे पहले शुरुआत करता है वही जीतता है तो जो हमारे आंट्रप्रीनोर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाए तो आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी इज द फर्स्ट प्रोसेस इन आंट्रप्रीनरशिप डेवलपमेंट अगर बात करें सेकंड प्रोसेस की तो इसमें आता है हमारा अ विज़न यहाँ पे विजन स्टैब्लिस करना होता है बेसिकली मतलब क्या है सर इसका इट इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ आइडियाज यहाँ पे आइडियाज़ का जनरेशन होता है पास्ट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया जाता है क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे क्या होगा कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके न्यू इनोवेटिव वेज ढूंढ पाए ठीक है मान लो अगर एक प्रॉब्लम है ठीक है अगर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो एक आंसर क्या कोशिश करेगा वो अपने खुद के एक्सपीरियंस पे अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा ठीक है मतलब एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा और साथ ही साथ नीड्स को सेटिस्फाई करेगा आउट ऑफ मेनी आइडियाज मोस्ट फीजेबल एंड प्रॉफिटेबल आर चूजन अब जो भी तरीके होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उसमें जो भी सबसे मोस्ट फीजेबल होगा मोस्ट uh, यूनिक कह सकते हो आप ठीक है और जो कहीं ना कहीं प्रोफिटेबल uh, माना जाएगा वो कोशिश करेगा उस मेथड को चूज करने का he evaluates different opportunities and business environment to assess the real and perceived value of production services risk and reward associated with the projects and डिफरेंशियल एडवांटेज इन इट्स कम्पिटिटिव एड इन्वामेंट वो क्या करता है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करेगा अब उस अपॉर्चुनिटीज़ को वो इवेल्यूएट करता है देखता है कि उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है रियल क्या वैल्यू है परसिव्ड क्या वैल्यू है कितने रिस्क उसमें इन्वॉल्व हैं और उस रिस्क को वो रिवॉर्ड से कंपेयर करता है साथ ही साथ वो अलग अलग एडवांटेज देखता है कि इस कंपिटेटिव इन्वॉर्मेंट में क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिल सकते हैं तो एक विज़न स्टैब्लिश करना पड़ता है वो उससे दूर की सोचनी पड़ती है ठीक है तो ये चीज हमें समझना होगा स्टैब्लिशिंग अ विजन के अंदर आई होप तुम्हें ये दोनों ही पॉइंट क्लियर होंगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है हमारा यहां पे थर्ड जस्ट वेट फॉर अ मिनट यहां पे लोड ले रहा है ये रहा अदर्स और चौथा है गैदरिंग रिसोर्सेस परसुएड अदर्स का मतलब क्या होता है दूसरों को इन्फ्लुएंस करना कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं ठीक है ही फॉर्म्स अ फाउंडेशन टीम जिसके अंदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे जो कि सब मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे होंगे और उनके जो विजन्स होंगे जो कि वो फ्यूचर्स में अचीव करना चाहते हैं उसे वो रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं अब ये जो ग्रुप्स हैं वो पार्टनर्स हो सकते हैं फाइनेंसर्स हो सकते हैं फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं सब मिल एक ग्रुप बनाते हैं ठीक है और उस ग्रुप से वो एक फाउंडेशन बन जाता है और वो फाउंडेशन लोगों को परसुए करती है परसुएट इन द सेंस कि लोगों को इन्फ्लुएंस करती है तो ये भी एक प्रोसेस में आता है फिर फाइनली हमें करना होता है रिसोर्स को गैदर मतलब हमें रिसोर्स इकट्ठा करना होता है गैदरिंग का मतलब ये होता है इकट्ठा करना इसमें देखो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे बिजनेस प्लान्स होते हैं ठीक है थीके? वो उस बिजनेस प्लान्स में हमें कैसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है सो so दैट वो हमारे फंड्स में हमारे वेंचर में इन्वेस्ट करें पैसे लगाए क्योंकि इस इनिशियल स्टेज पे हमें फंड्स की ज़रूरत होती है तो हम अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ढूंढते हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उन्हें अट्रैक्ट करें अपनी पॉलिसीज और स्कीम्स बताकर कि हमारी बिजनेस ऐसी है हम ऐसे काम करते हैं हमारे में ये यूनिकनेस है तो होगा क्या अल्टीमेटली वो जो आंतरप्रनोर होगा वो अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टर्स को वेंचर कैपिटलिस्ट को अट्रैक्ट करेगा और वो उसमें पैसे लगाएंगे ठीक है अब उनके पास रिसोर्सेस आएंगे उस पैसे के थ्रू और फिर उस रिसोर्सेज को अपने विजन को अचीव करने में लगा पाएंगे तो ये बेसिकली चार यहाँ पे हमने प्रोसेस देखे और भी हैं उससे पहले यहाँ पे रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है अलग अलग पार्ट्स में इसे एक बार समझ लेते हैं ठीक है तो इसमें से सबसे फर्स्ट कौन सा है यहाँ पे पहला है फाइनेंशियल रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज तुम समझ पा रहे हो पैसे की बात पैसे की लेन देन फाइनेंशियल वर्ड जहां आया यहां पे पैसे समझ लो जैसे कि पर्सनल सेविंग्स हो गए हमने रिटेंड करा है कुछ कैपिटल्स हमने कुछ फंड्स रिटेंड करने वो सारी चीजें हो गई बैंक से पैसे आए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पैसे आए हमारे दोस्त ने पैसे दे दिए हमारी फैमिली ने पैसे दी पार्टनरशिप से पैसे निकल कर आए वेंचर कैपिटल से भी पैसे हम ले सकते हैं तुम्हें तो पता है ये चीज पब्लिक इशू हमने करा उससे हमारे पैसे आए तो ये सारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग रिसोर्सेज की तो ये कहीं ना कहीं ऑपरेशनल रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं जो कि हमारे डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि दो टाइप्स होते हैं इसमें टेंजिबल एंड इंटेंजिबल अब बेसिकली टेंजिबल जिन्हें हम देख सकते हैं फील कर सकते हैं उनके प्रेजेंस को टच कर सकते हैं लेकिन जब बात आती है इंटेंजिबल रिसोर्सेज की आप उन्हें देख नहीं सकते हो ठीक है आप उन्हें बस फील कर सकते हैं उनके प्रेजेंस को कि हाँ यार वो चीज़ अवेलेबल है फिजिकली टच नहीं कर सकते तो ये मेरा माइक टेंजिबल एसेट्स है टेंजिबल रिसोर्स है मैं यहां पे इसे टच कर पा रहा हूं लेकिन मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं मेरी टीचिंग स्किल वो मेरी इनटेंजिबल एसेट्स है इनटेंजिबल रिसोर्स है मैं उसे बस फील कर पा रहा हूं ठीक है तो ये चीज तुम्हें यहां पर डिफरेंस समझना होगा कि रिसोर्स में ऑपरेटिंग रिसोर्स जो कि कहीं ना कहीं डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो इसके अंदर दो बेसिकली पार्ट्स होते हैं एक होता है टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल ठीक है टेंजिबल में मशीन हो गए रॉ मटेरियल्स हो गए लैंड एंड बिल्डिंग हो गए ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गए इनटेंजिबल में कंपनी की खुद की इमेज होती है ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होती हैं ट्रांसपोर्टेशन होते हैं मैनेजमेंट होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मानकर चलना होगा और अल्टीमेटली एक हमारा आता है ह्यूमन रिसोर्स जैसा कि हमने देखा फाइनेंशियल ऑपरेटिंग ठीक है ये सारी चीज़ें वैसे ही हमारा होता है ह्यूमन ह्यूमन अब एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे बात हो रही है हमारी मैन पार की बात हो रही है तो टेम्प्रेरी और परमानेंट एम्प्लॉयज़ दो टाइप्स के होते हैं कितने हमें मैन पावर की नीड है हमारे इंप्लॉयज में उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट होगी सेलेक्शन होगी ट्रेनिंग होगी डेवलपमेंट होगी कंपनसेशन सारी कुछ की जाएंगी ये हमारे आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पर या हम इसे मैन पावर रिसोर्स में भी बोल सकते हैं और लास्ट इसमें आता है रिसोर्स हमारा एक इन्फॉर्मेशनल इंफॉर्मेशनल इन द सेंस कि कहाँ से आप इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हो मार्केट्स में मार्केट्स के बारे में कंपिटिटर्स के बारे में एक्सटर्नल इन्वॉमेंट के बारे में जिसके बेसिस पे आप काम कर पाओगे तो ये भी एक रिसोर्स के अंदर आता है तो ये जस्ट बेसिकली टाइप्स ऑफ रिसोर्स थे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज मुझे तुम्हें बताना था क्लियर यहां पे ठीक है सर ये काम हमने कर लिया अब अल्टीमेटली बात आती है कि अब नए वेंचर्स यार तैयार करने शुरू कर दो तुम क्रिएटिंग न्यू वेंचर जब आपने सारे रिसोर्स इकट्ठे कर लिए ठीक है फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशनल और ह्यूमन रिसोर्स अब बात आती है जस्ट वेट फॉर अ मिनट जस्ट एक मिनट वेट करो मैं रिकॉर्डिंग यहां पे पॉज कर रहा हूं तो यार यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे क्रिएट न्यू वेंचर जैसा कि आपको पता होगा हमने रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए फाइनेंशियल ऑपरेटिंग और ह्यूमन रिसोर्स और इन्फॉर्मेशनल रिसोर्स अब बारी आती है कि यार नए वेंचर्स तैयार करो बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाना है अब यहाँ पे ये यह बात होगी अपने इंथ्यूजियाज्म को लेकर ठीक है पर्सुएशन को लेकर आपने जो भी रिसोर्सेस इकट्ठा करें आप उनको कैसे फ्रूटफुल तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो आप कैसे उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ले पा रहे हो अब यहाँ पे बात होती है चर के अंदर तो वेन ऑल द रिसोर्स अरेंज स्टेपन एंडब्लिशमेंट ऑफ न्यू वेंचर एंड रनिंग दिजनेस वेंचर सक्सेसफुली ठीक है वही बात जो मैंने बताई आपको फिर फाइनली आता है यहां पर हमारा लास्ट चेंज और अडेप्ट विध टाइम अब देखो एक स्थिर पानी ठीक है मैं यहाँ पे जस्ट तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूं स्थिर पानी कभी भी डेवलप नहीं कर सकता एक जगह पर जो पानी ठहर जाता है वो पानी गंदी हो जाती है तो टाइम टू टाइम उसे मूवमेंट करना होता है फ्रॉम वन प्लेस टू तो अनदर प्लेस तो वैसे ही यहाँ पे वेंचर की बात हो रही है एंटरप्राइज की बात हो रही है कि एक आंतरप्रेनोर को एक सक्सेसफुल आंतरप्रेनोर को कहीं ना कहीं ये सोच कर चलना होता है कि हमें चेंजिंग इन्वायमेंट के अकॉर्डिंग चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग चेंजिंग सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें खुद को भी चेंज करना होता है मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हमें खुद को भी अडॉप्ट करना होता है तो क्या बोला जा रहा है इट इज नेसेसरी टू मॉनिटर एंड अपग्रेड द ऑर्गनाइजेशन विद चेंजिंग मार्केटिंग कंडीशन मार्केट के जैसे जैसे कंडीशन चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे हमारी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है अब यह चीज़ तुम्हें तो भी पता है कि हमारी जो मार्केट है वो डायनामिक नेचर में है मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग तुम सिंपली बोल सकते हो तो हमें उस चेंजेस के अनुसार हमें अपने इंटरप्राइज को अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड करनी होती है चाहे वो टेक्नोलॉजिकल सेंस में हो चाहे वो इंफॉर्मेशनल सेंस में हो या फिर ह्यूमन रिसोर्स के सेंस में हो तो लास्ट स्टेप यही आता चेंज एंड अडेप्ट विद द टाइम तो ये प्रोसेस तुम्हें तो याद रखने होंगे सबसे फर्स्ट यहाँ पे था कि अपॉर्चुनिटीज यार ग्रैब करना है हमें फिर उसके बाद हमें एक विजन स्टैब्लिश करना है विजन हमने स्टैब्लिश कर लिया अब हमें लोगों को परसूए करना है परसुएट करना है जिससे वो अपने विजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए फिर हमें रिसोर्सेज गैदर करने होते हैं फिर हमें वेंचर रेडी करना होता है और फाइनली हम क्या करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग खुद को अडोप्ट करते हैं तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी प्रोसेस ऑफ एंट्रप्रनोरशिप डेवलपमेंट ठीक है भाई क्लियर है सब कुछ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कोई भी डाउट वाउट हो तो चलो अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ आंट्रप्रनोरशिप की कि क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं आंट्रप्रनोरशिप की तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें प्राइमरी फंक्शन प्राइमरी फंक्शन जो होता है कि जो कि बेसिक फंक्शन जिसे कि आप बोल सकते हो क्या बोल सकते हैं सर हम इसे बेसिक फंक्शन लिखा जा भाई कौन सा है हमारा ये बेसिक फंक्शन है ठीक है तो कुछ इश्यू है यहाँ पे तो बेसिक फंक्शन ये हमारा कौन कौन सा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डिसीजन मेकिंग मैनेजिंग इनोवेटिंग एंड रिस्क बियरिंग ये सारे इसमें फंक्शंस आते हैं हमारे कौन कौन से प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डिसीजन मेकिंग मैनेजिंग इनोवेटिंग एंड रिस्क बियरिंग ये सारे फंक्शंस इसमें बेसिकली आते हैं तो प्लानिंग क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है ये सारी चीजें आपको पता होगी लेकिन अगर हम जब बात करते हैं अपने सेकेंडरी फंक्शन की तो सेकेंडरी फंक्शन में यहां पे होता है कि कैसे हम अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं एक्सपैंड कर पा रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में अपने इंटरप्राइज को कैसे हम एक्सपैंड कर पा रहे हैं साथ ही साथ हम अपने इंप्लॉइज और इंप्लॉयर मतलब इंप्लॉयर और इंप्लॉय के रिलेशन को मैंटेन कर पा रहे हैं और आए दिन लेबर प्रॉब्लम्स आते रहते हैं वो स्ट्राइक्स पे बैठते हैं प्रोटेस्ट करते हैं तो कैसे उस प्रॉब्लम को हम टैकल करते हैं वो भी आता है एक सेकेंडरी फंक्शन में कि एक अंतरप्रोर सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा और साथ ही साथ कैसे आप थर्ड पार्टी मतलब बाहर वाली पार्टी के साथ आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो कोऑर्डिनेशन बिठा पा रहे हो ये सारी बातें होती है सेकेंडरी फंक्शन के अंदर लेकिन जब हम बात करते हैं अदर फंक्शंस की तो इसमें कहीं ना कहीं हमें रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है पब्लिक ब्यूरोक्रेसी को देखनी होती है पैरेलल अपॉर्चुनिटीज आए दिन जो आते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है और एक कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉग रिलेशन हमें मेनटेन करना होता है तो ये अदर फंक्शन बेसिकली तीन फंक्शंस होते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं आगे अपने कुछ और भी पोर्शंस की तो ये रहा जस्ट बैरियर्स टू आंट्रप्रनोरशिप की वो कौन कौन से रुकावट आती है एक में प्रोसेस में अब तुम्हें पता है आंट्रप्रनोर क्या है और आंतरप्रिनोरशिप क्या आंट्रप्रिनोरशिप जस्ट एक प्रोसेस है तो उस प्रोसेस में कुछ रुकावटें आती हैं कुछ बैरियर्स आती हैं जो कि कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं भाई साहब ये चीज़ याद रखिएगा तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारा इन्वामेंटल बैरियर अब इन्वामेंटल बैरियर की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं हम नेचर से कुछ चीज़ें उठाते हैं अपने सराउंडिंग से अपने आसपास माहौल से कुछ चीज़ें उठाती हैं उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जैसे कि सबसे फर्स्ट आता है रॉ मटीरियल आपको पता है कि रॉ मटीरियल अभी के टाइम में कंपिटेटिव वर्ल्ड में से कम्पिटेटिव इन्वायमेंट्स में उठाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है तो ये एक टफ टास्क हो सकता है किसी भी आंतर के लिए कि कैसे आप उठा रहे हो तो ये रॉ मटेरियल एक बैरियर की तरह भी कभी ना कभी काम कर जाता है जैसे कि अगर प्राइसेस बढ़ गई तो कंपटीशन आएंगी वैसे ही लेबर्स की बात आती है कि हमें स्किल्ड लेबर चाहिए कमिटेड और लॉयल इम्प्लॉयज़ होने चाहिए क्वालिटी एंड क्वांटिटी चाहिए मतलब क्वांटिटी तो चाहिए साथ साथ वेल मेंटेन्ड क्वालिटी भी चाहिए तो ये सब एक बैरियर होता है ठीक है समझ पा रहे हैं मेरे बातों को रॉ मटेरियल लाना लेबर लाना तो इन सब को इकट्ठा करने में बहुत सारी रुकावट आती हैं उनमें से एक है हमारा इन्वामेंटल बैरियर फिर बात आती है मशीनरी की अब जैसा कि आपको पता होगा कि मशीनरी होती है कॉस्टली तो वो भी एक बैरियर की तरह काम करती है आए दिन टेक्नोलॉजीज अपग्रेड हो रही हैं तो हमें कहीं ना कहीं हाईटेक टेक्नोलॉजी -tech का इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए कॉस्टिंग चाहिए पैसे चाहिए तो पैसे लगाने के लिए आपके पास पैसे होने भी चाहिए तो ये भी एक बैरियर की तरह काम करता है तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके क्योंकि उनके पास एक एडिक्वेट फंड नहीं होता है कि वो पैसे फूँक पाए इस चेंजिंग वर्ल्ड में टेक्नोलॉजीज अपग्रेड हो रहे हैं पॉकेट में पैसा होगा तभी तो भाई अपग्रेड कर पाओगे खुद को नहीं तो कैसे अपग्रेड कर लोगे तुम सोच कर देखो ये चीज़ तो इन्वामेंटल बैरियर्स ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं रुकावट क्रिएट करती हैं आगे बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की लैंड को एक्वायर करना उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना ठीक है वो भी एक प्राइम लोकेशन में हार्ट ऑफ द सिटी में तो ये कहीं ना कहीं

तो तुम्हारे लिए एक फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा तुम एक बिजनेस चला रहे हो ऐसा नहीं होगा कि तुमने आज चलाया दो दिन बाद तुमने बिजनेस को शट डाउन करके निकल लिया अपने घर ऐसा नहीं होगा तुम एक सर्टेन पीरियड के लिए लोगे एक फिक्स्ड पीरियड के लिए लोगे तो वो तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा उसे फिक्सड कॉस्ट आ जाएगा तो फिक्सड कॉस्ट जो होगा वो भी कहीं ना कहीं एक बैरियर की तरह काम करेगा ठीक है लास्ट पर बात करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट क्या होता है सर पावर का रहना इलेक्ट्रिसिटी का रहना प्रॉपर रोड्स होने चाहिए वाटर एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज होनी चाहिए इससे क्या होगी डेवलपमेंट होगी ठीक है आपको रिसोर्सेस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में दिक्कत नहीं होगी आपके पास पावर होगी तो आपके मतलब अगर बाई चांस पावर फेल्योर होती है तो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस वहीं रुक जाएगी तो हर एक चीज़ मैटर करता है ना ठीक है चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की यहाँ पे जो कि है फाइनेंशियल बैरियर फाइनेंशियल बैरियर सर पैसे की यहाँ पे बात हो रही है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एक मेजर कंसर्न हो सकता है किसी भी आंतरप्लाट के लिए अगर आपको रिसोर्स में रिसोर्सेस चाहिए तो रिसोर्स के लिए आपको पैसे भी चाहिए होंगे ठीक है फंड्स भी चाहिए होंगे तो उन फंड्स के लिए आपके पास फंड्स भी तो होने चाहिए तो एक बिज़नेस को स्मूथ रन करने के लिए स्टार्ट करने के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कभी कभी ये फाइनेंशियल बैरियर सामने उभर कर आता है एक रुकावट की तरह आगे बात करते हैं पर्सनल बैरियर की तो पर्सनल बैरियर कहीं ना कहीं रिलेट करता है कि इंडिविजुअल से उसके इमोशन से रिलेट करता है उसके मेंटल फील से रिलेट करता है मेंटल फीलिंग से रिलेट करता है तो जैसे कि सबसे फर्स्ट आता है इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया ठीक है लैक ऑफ डिपेंडेंटली ऑन दी अदर्स मतलब दूसरों पर डिपेंड होना लैक ऑफ मोटिवेशन पेशेंस ना होना तो ये सारी चीजें आप देखो आप खुद से सोच देख सकते हो कि अगर आप एक आंट्रप्रनोर हो आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं एक बैरियर की तरह काम करेगा तो ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं अब बात करते हैं अपने सोसाइटल बैरियर की तो सोसाइटल बैरियर well, से क्या मतलब है कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स इन सबको फॉलो करना होगा ठीक है आपको अप्रूवल लेना पड़ता है कभी ना कभी कि क्या हमें यह प्रोडक्ट सोसाइटी में उतारना चाहिए या नहीं चाहिए कास्ट को लेकर आपको अलर्ट रहना होगा रिलीजियस एफिलिएशन को लेकर आपको अलर्ट रहना होगा अगर अलर्ट नहीं रहोगे तो यार बड़े पर, परेशानी में फंस सकते हो इन सब चीज़ों को लेकर आप ठीक है बात करें अगर पॉलिटिकल बैरियर्स की तो आपको पता आए दिन पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर बनाती है किसी ना किसी चीज़ को लेकर ठीक है सोशियो इकोनॉमिक सेटिंग को लेकर डेवलपमेंट को लेकर कुछ ना कुछ बैरियर्स उसमें भी उभर कर आते हैं तो इन सब चीज़ को याद रख लेना आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे तो चलो यार एक टॉपिक आपके लिए यहां पे होमवर्क है स्कोप ऑफ आंतरप्रिनरशिप इन इंडिया कि भारत में एक आंट्रप्रिनशिप का क्या स्कोप है या फिर कुछ नहीं है फालतू है बकवास है ऐसा क्या तो ये चीज एक बार तुम कंसिडर कर लेना इस नोट्स को तुम रीड आउट कर लेना तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कि भारत में आंतरप्रिनरशिप का क्या स्कोप है तो पढ़ लेना आगे बढ़ते हैं अपने कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातों को लेकर अब आता है आंट्रप्रोरियल वैल्यूज क्या वैल्यूज होनी चाहिए अब देखना मैं पढ़ के यहां पे तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं सबसे पहले इन अ सिविलाइज सोसाइटी जहां की हम रह रहे हैं अभी क्वालिटीज कुछ क्वालिटीज जैसे कि ऑनेस्टी ट्रूथफुलनेस कॉपरेशन इंटीग्रिटी ये सारी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे हैप्पी और हेल्दी लाइफ की तो कहीं ना कहीं ये एक सेट ऑफ बिलीव हैं एक स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमारे बिहेवियर को गाइड करती है तो हम ये उम्मीद करते हैं ये सारी बेनिफिट्स ये सारी वैल्यूज जो हैं एक आंट्रप्रीनोर के अंदर होनी चाहिए तो सच गाइडिंग प्रिंसिपल स्टैब्लिड इन कल्चर सोसाइटी आर कॉल्ड वैल्यूज इन्हीं सारी चीजों को हम क्या नाम देते हैं वैल्यूज तो वॉट आर द प्रोमिनेंट अंतरप्रनोरियल वैल्यूज क्या क्या वो प्रोमिनेंट आंट्रप्रनोरियल वैल्यूज होनी चाहिए मतलब आप क्या उम्मीद लगाते हो एक आंट्रप्रनोर के अंदर होनी चाहिए वैल्यूज सबसे पहले इनोवेटिवनेस innov होनी चाहिए मतलब नई चीजें इन्वेंट करे वो क्रिएटिविटी लगाए अपने स्किल्स लगाए सो दैट वो नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर पाए नई चीजें इन्वेंट कर पाए तो ये उम्मीद करते हो कि हाँ यार आंतरप्रनोर है वो ठीक है आंतरप्रनोर है वो उसमें वो फैसिलिटी होगी वो चीज उसमें होगी तो इनोवेटिवनेस एंड क्रिएटिविटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे बात करें इंडिपेंडेंस और ओनरशिप की तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है मतलब वो इंडिपेंडेंस रहता है मतलब वो दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेगा वो खुद का मालिक रहता है ठीक है वो खुद ही भगवान रहता है क्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और अचीवमेंट आप उससे ये उम्मीद करते हो कि उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो एक आउटस्टैंडिंग होगी नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस होगी ऐसा नहीं कि नॉर्मल परफॉर्मेंस होगा वो हम एक आंतरिक से उम्मीद नहीं करते साथ ही साथ वो अपने काम को लेकर बहुत ही ईमानदार हो रिस्पेक्ट करे अपने काम को इज्जत दे अपने काम को सो so दैट वो काम उसे इज्जत देगी तो ये चार प्रोमिनेंट आंट्रपनोरियल वैल्यूज हम कहीं कही ना कहीं उम्मीद करते हैं कि एक आंतरपिनोर के अंदर होनी चाहिए ठीक चलिए बात करते हैं आंतरपनोरियल एटीट्यूड्स की तो यहाँ पे एक प्यारा सा स्टेटमेंट दिया गया है इट इज सेड दैट एटीट्यूड डिटरमाइंस एल्टीट्यूड क्या आप एग्री करते हो तो हाँ बिल्कुल सब एग्री करते हैं कि हमारे जो एटीट्यूड्स होते हैं वो न्यूक्लियस से निकल कर आते हैं ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोफाइल ऑफ एन इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी होगी वो डिटरमाइन कहाँ से मैं पता चलता है एटीट्यूड से आपके उस, आप उसके एटीट्यूड से पता लगा सकते हो कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी है ठीक है तो इस उससे रिलेटेड कुछ बातें की गई है कि एटीट्यूड जो होती है वो नेसेसरी मोटिवेशन प्रोवाइड करती है एक आंतरप्योर के अंदर ड्राइव ड्राइव मतलब अर्ज कह सकते हो सिंपली काम को लेकर प्रोत्साहित काम को लेकर आगे बढ़ना तो ये सारी चीजें हो गई अ सेंस ऑफ प्रिजर्वनेस कमिटमेंट कॉन्फिडेंस ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं उसके एटीट्यूड से डिफाइन कर पाते हैं तो अपार्ट फ्रॉम दिस एटीट्यूड ऑल्सो प्रोवाइड द डेवलपमेंट ऑफ द नेसेसरी कम्पिटेंसीज एटीट्यूड का मतलब ये भी है कि उसके अंदर वो कम्पिटिटिवनेस है सो so दैट वो दूसरों से कंपीट कर, कर पाए इस कंपिटेटिव मार्केट में मतलब कहीं ना कहीं एटीट्यूड कही, जो होती है वो नेसेसरी डेवलपमेंट नेसेसरी डेवलपमेंट हमें प्रोवाइड करती है ठीक है अब आगे क्या बात की गई कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स होती है वो एसेंशियल होती है ग्रोथ के लिए क्योंकि क्या क्या रीजन्स हैं ए हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन अगर आपकी एटीट्यूड पॉजिटिव है चीजों को आप पॉजिटिव वे में ले रहे हो तो मोटिवेशन अच्छी होगी एनर्जी एंड कैपेसिटी टू पुश अहेड आपके अंदर वो शक्ति होगी वो आपकी कैपेसिटी होगी कि आप चीज़ों को आगे बढ़ा पाओ और क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट मतलब आप दिमाग से भी सोच पाओ और दिल से भी सोच पाओ दोनों चीजों का बैलेंस मिलाकर लेकर चलो तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें समझ कर चलनी होगी एक और टॉपिक है इसमें उसे देख लेते हैं फिर एंड करेंगे इस चैप्टर को वैसे बेसिकली ये टॉपिक है जस्ट वेट करो लास्ट ये टॉपिक है इसमें एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशंस देख लेते हैं इसे देखो मोटिवेशन का मतलब तो पता ही होगा बात करते हैं आंतरपोनोलॉल मोटिवेशन की तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक्टिवेट करता है मोटिवेट करता है आंतरप्रोन को टू एग्जर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हिज हिजर आंतरपोनॉलियल गोल्स मोटिवेशन का बेसिक मतलब मैंने आपको पढ़ा बता चुका है स्टाफिंग uh, जैसे चैप्टर के अंदर कि मोटिवेशन कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट टूल है जो कि अपने गोल को अचीव करवाने में मदद करता है वो आपके अंदर वो इंथूजियाजम भरता है वो फीलिंग्स लाता है कि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ ठीक है मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह तो देखते ही हो होके वो कहीं ना कहीं आपको अपने पढ़ाई को लेकर उसके टुवर्ड्स मूव करवाता है गोल्स को कैसे अचीव करना है वो सारी चीज़ें तो आंट्रप्रनोरियल मोटिवेशन भी एक प्रोसेस है जो कि आंतरप्रनोर को मोटिवेट करता है एक्टिवेट करता है कि वो हाई लेवल के एफर्ट्स निकाल सके और कुछ ना कुछ उखाड़ भी सके अपने गोल्स को अचीव कर पाए बहुत ही आसान तरीके से इन अदर वर्ड्स वर्ड दिनियल मोटिवेशन रिफोर्स टू द फोर्स और ड्राइव विद इन एन एनप्रीनोर टू इफेक्ट द डायरेक्शन इंटेंसिटी एंड परसिस्टेंस ऑफ हिज और हर बिहेवियर एंड तो ये चीज तुम्हें तो समझनी होगी कि कहीं ना कहीं ये वो फोर्स है जो कि एक आंतरप्रनोर को कहीं ना कहीं पुशअप करता है कि यार आप आप उस डायरेक्शन में मूव करो आपका गोल वो है इस इंटेंसिटी से मूव करो ये ये चीजें आपको करनी है तो मोटिवेशन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन इज रिगार्डेड एज द इनर स्टेट दैट इनर्जाइज एक्टिविटी मोटिवेशन हमारी वो अंदरूनी स्टेट है जो कि कहीं ना कहीं हमें इनर्जाइज करती है और एक्टिवेट करती है हम अपने एक्टिविटीज़ को जिसके थ्रू अचीव कर पाते हैं अब मोटिवेशन के नेचर्स दिए गए तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है ये चीज़ आपको पता होगा आपके इंटरनल फीलिंग्स है आपकी मेंटल एक्टिविटी है तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है कि ये इंटरनल फीलिंग है अ सिंगल मोटिव कैन कॉज डिफरेंट बिहेवियर ठीक है डिफरेंट मोटिव्स में रिजल्ट इन सिंगल बिहेवियर मोटिवेशन आता है चला जाता है कभी भी मोटिवेशन लंबे अरसे तक नहीं रहता है तो ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो अपने प्रैक्टिकल लाइफ से भी देखते हुए और मोटिवेशन इंटरैक्ट करता है इन्वामेंट से आगे क्या है सर यहां पे देखो क्या बात की गई है आंतरपोनॉरियल मोटिवेटिंग फैक्टर्स तो दो होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या होंगे कुछ नया करने की डिजायर होना इंडिपेंडेंट होना दूसरों पे डिपेंड ना होना ये सारे इंटरनल फैक्टर होती हैं अचीव वट वन वॉन्ट टू हैव इन लाइफ क्या अचीव आपको करना है वो चीज आपको पता होनी चाहिए रिकोगनाइज फॉर वन कंट्रीब्यूशन एजुकेशनल बैकग्राउंड आपकी अच्छी होनी चाहिए तो यह सारे फैक्टर्स एक बार देख लेना वैसे ही यहाँ पे आता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स तो इसके अंदर क्या होगा गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड सपोर्ट अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड रॉ मेटेरियल इंकरेजमेंट फ्रॉम बिग बिजनेस हाउसेज और प्रोमिसिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट तो ये सारी एक्सटर्नल चीजें हैं एक बार रीड आउट करोगे पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी तो देखो यार कम बहुत कम टाइम में हमारे सीयू टी एग्जाम में तो फटाफट सारी चीजें कवर करते जाओ और तुम्हारे कोई भी डाउट होते तो व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो यूनिट नंबर 11 के अंदर मार्केटिंग जिसके अंदर हमें मार्केटिंग के मीनिंग एंड फंक्शंस देखने मार्केटिंग और सेलिंग के बीच डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है बेसिकली मार्केटिंग मिक्स क्या होता है ठीक है प्रोडक्ट के बारे में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन एज वेल एज प्राइस मतलब फोर पीस के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है और मार्केटिंग का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में हमें चीजें इसके अंदर जाननी है मुझे जहां तक लगता है तुम लोगों ने इसके इस चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ा होगा ऐसा तो है नहीं कि तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है मतलब पहली बार पढ़ रहे हो कुछ तो पढ़ के ही आए होगे या कुछ भी नहीं पढ़े हो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स के साथ मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है देखो उससे पहले तुम्हें समझना होगा कि वॉट इज मार्केट लेमन लैंग्वेज में बात करूं एक वैसा प्लेस जहां पे बायर्स एंड सेलर मिलते हैं और प्रोडक्ट्स की बेच और खरीद करते हैं तुम डेली मार्केट जाते होगे शाम को निकलते होगे सब्जी मंडी जाते होगे फल मार्केट जाते होगे अलग अलग तुम मार्केट विजिट करते होगे वहां पे तुम देखते हो वहां पे ढेर सारे सेलर्स होते हैं साथ ही साथ ढेर सारे बायर्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से एक तालमेल बिठा रहे होते हैं प्रोडक्ट के परस्पेक्टिव से ठीक है मतलब सेलर उन्हें प्रोडक्ट देता है बायर उन्हें उस प्रोडक्ट के बदले पैसे देते हैं तो जो वो जिस पर्टिकुलर प्लेस पे ट्रेड हो रहा होता है उसे हम नाम देते हैं मार्केट लेकिन अगर आए दिन जो चेंजेस होते जा रहे हैं डिजिटली अगर हम बात करें तो डिजिटल भी एक मार्केट होता है शेयर्स की बात करें वो अलग कंसेप्ट है लेकिन फिलहाल हम मार्केटिंग के परस्पेक्टिव से देखें तो यहां पे हम फिजिकल मार्केट की बात कर रहे होंगे ठीक है तो so अगर मार्केट की बात करूं तो मार्केट रिफर्स टू अ प्लेस वेयर ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे दोनों ही मिलते हैं बायर्स और सेलर्स मिलेंगे और वहां पे वो दोनों ट्रांजेक्शन करेंगे एक पैसा देगा दूसरा या तो गुड्स देगा या तो सर्विस देगा उसके बदले में कोई भी यहाँ पे मुफ्त में काम नहीं कर रहा होता है ऐसा भी नहीं होता कि बायर मुफ्त में उसे पैसे देगा उसे उसके बदले कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो जिस पर्टिकुलर प्लेस पे वो ट्रेड हो रहा होता है उसे हम नाम देते हैं मार्केट मार्केट को बाइफरकेट किया गया इट मीन डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट मतलब किस टाइप के प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो उस बेसिस पे मार्केट को डिवाइड किया गया है बाईफ किया गया फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कॉटन मार्केट हो गया ग्रीन मार्केट होता है अपने आए दिन जो हम डेली जो हमारे डेली बेसिस पे हम लोग जो काम करते हैं जैसे कि सब्जी मंडी होती है जहां पे ढेर सारे सब्जी मिलते हैं फल मार्केट होते हैं ठीक है थीके? फ्रूट्स वाले तो ऐसे ऐसे मार्केट्स डिवाइड रहते हैं कुछ कपड़े के मार्केट एक जगह पे होते हैं फिर कार के पार्ट्स मोटरसाइकिल के पार्ट्स का एक पर्टिकुलर अलग ऑटोमोबाइल्स का एक अलग मार्केट होता है तो किस टाइप का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो किस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको चाहिए उस बेसिस पे मार्केट को डिवाइड किया जाता है ठीक है तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पे मार्केट का सिचुएशन अब उसके अंदर होलसेलर्स भी होते हैं रिटेलर्स भी होते हैं इन मॉडर्न टाइम्स द टर्म मार्केट हैज अ वाइडर मीनिंग इट ऑल इट नाउ इंक्लूड ऑल पोटेंशियल बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितने बायर्स आते हैं ठीक है जिनको भी प्रोडक्ट चाहिए उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है

बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही इंटरक्ट करते हैं और इंटरेक्शन का पर्सपेक्टिव क्या रहता है या पर्पस क्या रहता है कि गुड्स लेन देन होगी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा तभी जाकर आप उसे नाम दोगे मार्केट तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रांजेक्शन होना बहुत ही जरूरी है बायर्स एंड सेलर्स के बीच और उनका ये उद्देश्य होना चाहिए कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज तो होगा ही अगर नहीं हो रहा है तो वो मार्केट नहीं है ये मान लो तुम मार्केटिंग इज अ मच वाइडर कंसेप्ट जिसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि गुड्स का एक्सचेंज होना पैसों का लेन देन होना तो एक वाइडर कंसेप्ट होता है ब्रॉड कंसेप्ट होता है ये चीज याद रख लेना एक्टिविटीज विच आर पार्ट ऑफ मार्केटिंग आर बेसिकली द वेरियस फंक्शंस जो कि परफॉर्म किए जाते हैं अंडर मार्केटिंग जैसे कि प्लानिंग होता है डिजाइनिंग होते हैं ठीक है पैकेजिंग किए जाते हैं लेबलिंग किए जाते हैं तो ये सारे अलग-अलग एक्टिविटीज -अलग होते हैं। बात जैसे कि पे समझना, ध्यान से क्या बोला जा रहा है। मार्केटिंग डिजाइन कर तो करोगे अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया प्रोडक्ट की पैकिंग करोगे आप पैकिंग के बाद आप लेबलिंग करोगे स्टैंडर्ड डिफाइन standard करोगे वैसे ही वेयर हाउस में स्टोर करोगे ट्रांसपोर्ट करोगे एडवर्टीजमेंट करोगे तो बहुत ही वाइडर टर्म होता है मार्केटिंग इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है ये चीज तुम ध्यान रख लेना फीचर्स क्या क्या होते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट बताया गया कि नीड्स और वॉन्ट्स मतलब मार्केटिंग का एक फीचर होता है कि उसके अंदर हमें बेसिकली नीड्स एंड वांट्स के बारे में बात करने होते हैं द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग हेल्प्स कंज्यूमर इन ऑब्टेनिंग व्हाट दे नीड एंड व्हाट दे वांट। मार्केटिंग का जो प्रोसेस होता है वो कस्टमर को मदद करता है ठीक है वो आइडेंटिफाई करने में कि उन्हें क्या चीज चाहिए और उनकी क्या जरूरत है तुम ये दो वर्ड समझ पा रहे हो कि नीड और वांट यहाँ पे दो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है नीड और वांट नीड का मतलब होता है जरूरत और वांट की मतलब होती है. Want want का क्या मतलब होता है चाहत तुम्हें किस चीज की जरूरत है और तुम्हें क्या तुम क्या चाहते हो बेसिकली चीज कौन हमें बताता है मार्केटिंग बताता है यह एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंज्यूमर यह ऑबटेन कर पाते हैं कि वो उन्हें क्या चीज की जरूरत है और क्या वो चाहते हैं नीड इज अटेट ऑफ अशन और फीलिंग ऑफ मतलब जिसकी तुम्हें जरूरत हो इमीडिएट जरूरत हो तुम्हें उसकी बात हो रही है और नीड्स आर बेसिक ऑफ ह्यूमन बींग्स डू नॉटेंड टू अर्टिकुलर प्रोडक्ट मतलब आप उसे हटा नहीं सकते हो वो तो आपको चाहिए चलिए बात करते हैं क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग पे बात हो रही है मार्केट ऑफरिंग रिफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेस लाइक साइज क्वालिटी टेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग मार्केट ऑफर होता क्या है मार्केट ऑफर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं और सर्विसेज होती हैं उसकी विशेषताएं आप मार्केट तक पहुंचाते हो जैसे कि हमारे प्रोडक्ट्स की ये साइज है हमारी प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है हमारा प्रोडक्ट का कुछ टेस्ट ऐसा होता है मतलब हर एक चीज आप बताते हो उसके बारे में ठीक है साथ ही साथ ये एस ये भी चीज बताएगा कि आप जो प्रोडक्शन एंड में डील कर रहे क्या हो क्या वो प्रोडक्शन एंड अभी आपके आउटलेट पे या इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है मार्केट ऑफरिंग डेवलप्ड आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स एंड ऑफ कस्टमर इज सेट टू बी आइडियल अब मार्केट ऑफरिंग कैसे की जाती है सबसे पहले आपको अपने कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करनी होगी कस्टमर चाहता क्या है भाई साहब वो आइडेंटिफाई करो उसके बाद आप जाकर उस प्रोसेस के थ्रू मार्केट में ऑफर करते हो अपने प्रोडक्ट को कि हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की ये साइज है ये ये फीचर्स हैं उसके अंदर और हमारा जो प्रोडक्ट है इस आउटलेट पे अवेलेबल है इस लोकेशन में इस शहर के इस ब्रांच में अवेलेबल है आप जाकर प्रोडक्ट खरीद सकते हो तो बेसिकली मार्केट ऑफरिंग के अंदर यही बात होती है अब बात करते हैं कस्टमर वैल्यूज की तो कस्टमर वैल्यूज होते क्या है ये चीज तो मैं समझना होगा हां ठीक है मैं मानता हूं कस्टमर कॉस्ट को भी वैल्यू देते हैं और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को भी वैल्यू देते हैं लेकिन ओवर द पीरियड जो ये चीज देखा जा रहा है कस्टमर अब ज्यादातर क्वालिटी पर फोर्स कर रहे हैं ठीक है कि उन्हें क्वालिटी चाहिए ना कि चीपर प्रोडक्ट चाहिए तो मार्केटिंग लीड्स टू द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विस बिटवीन द बाइस एंड सेलर जब कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीदता है तो वो ज्यादा प्रायोरिटी किसे देता है प्रोडक्ट की वैल्यू को कि प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है ठीक है क्या उसकी क्वालिटी है और कहीं ना कहीं कम देता है किसे वैल्यू कॉस्ट और प्राइस को ठीक है मैं मानता हूं प्रैक्टिकली देखा जाए तो कॉस्ट भी मैटर करता है लेकिन अगर थियोर समझे तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट को ज्यादा वो वैल्यू देते हैं तो कस्टमर वैल्यू एक फीचर होता है फिर आता है उसके बाद एक्सचेंज मैकेनिज्म मैकेनिज्म एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है जो मार्केट होता है या फिर तो मार्केटिंग कह लो ये जो काम करता है ये टोटली एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है लेन देन के थ्रू मतलब दो पार्टीज अगर एक राम है एक श्याम है राम सेलर है श्याम बायर है तो दोनों को कुछ ना कुछ एक्सचेंज में तो चाहिए ही अगर राम उसे प्रोडक्ट दे रहा है तो राम ये उम्मीद करेगा कि हाँ श्याम भाई साहब मुझे उसके बदले पैसे देंगे तो ये क्या एक एक्सचेंज एक 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 मैकेनिज्म पे काम कर रहा है एक्सचेंज रिफर्स टू द प्रोसेस ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू टू और मोर पार्टीज पास आते हैं डिजायर प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम सम वन ऑफरिंग द सेम बाइ गए मिलेंगे तो वो भी उम्मीद कर रहे कि उन्हें पैसे मिलेंगे आपसे तो कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए एक्सचेंज के लिए यह चीज समझना होगा मतलब यह सारी कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है तभी दो प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो पाएगा पहला एटलीस्ट दो पार्टीज होंगे बिना दो पार्टी के हुए आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो दूसरी चीज ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू अदर मतलब कुछ ना कुछ तो यार ऑफर करोगे ना बिना कुछ अपनी बात को तो ऑफर करोगे नहीं उसके बाद है कम्युनिकेशन प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए बायर्स एंड सेलर्स के बीच विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन कोई भी मार्केटिंग या कोई भी सेलिंग पॉसिबल नहीं हो सकती है ठीक है और दोनों ही बायर्स एंड सेलर्स को वो एक फ्रीडम होनी चाहिए कि अगर उन्हें पसंद आती है तो एक्सेप्ट करेंगे पसंद नहीं आती है तो वो रिजेक्ट कर रहे होंगे ठीक है और लास्ट आता है पार्टीज विलिंगनेस टू इंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन जो तो पार्टीज होंगे उनकी इच्छा होनी चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एंटर करें अगर उनकी इच्छा होगी ही नहीं कि नहीं यार मुझे तो पार्टिसिपेट करना ही नहीं है इस प्रॉपर प्रोसेस में तो मैं क्यों फिर पार्टिसिपेट करूंगा ठीक है समझ पा रहे हो तो ये बेसिकली पांच कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए एक एक्सचेंज के तो यहां पे हमने टोटल चार फीचर्स करे कौन कौन से नीड्स एंड वॉन्ट क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग फिर आता है कस्टमर वैल्यू और उसके बाद आता है एक्सचेंज मैकेनिज्म आई होप तुम्हें हर एक चीज यहां पे क्लियर हुई होगी ठीक है चलिए नेक्स्ट आता है यहां पे व्हाट कैन बी मार्केटेड मतलब क्या आप मार्केट कर सकते हो ठीक है क्या कौन कौन सी चीजें आप बेच सकते हो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी होगी तो बेसिकली एक चीज आपके ध्यान में आता होगा माइंड में आता होगा कि हाँ हम प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं ठीक है प्रोडक्ट्स चाहे वो बॉटल्स कह लो सोप कह लो टीवी रेफ्रिजरेटर कोई भी चीज जो कि एक प्रोडक्ट हो आप उसे बेच और खरीद सकते हो ठीक है लेकिन हम सर्विसेज को भी मार्केट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सर्विस हो गए ट्रांसपोर्ट सर्विस टीचर अपनी सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस देना तो ये सारी चीजें सर्विसेस में आती हैं ठीक है तो ये दो चीज हो गए प्रोडक्ट्स होते हैं सर्विस होते हैं उसके बाद आता है एक्सपीरियंस अलग अलग मूवीज देखते हो अलग अलग तुम शोज देखते हो स्टेज शो देखते हो ड्रामा देखते हो प्ले देखते हो उसमें क्या होता है अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया जाता है तो ये चीज भी मार्केट किया जा सकता है प्लेसेस फॉर टूरिस्ट फॉर एग्जाम्पल आगरा हो गया वाराणसी हो गई सिंगापुर हो गया आगरा में ताजमहल ये प्लेस बेसिकली क्या हो रहा है ये मार्केट की जा रही है इस प्लेस को यहां पे टिकट्स बिकते हैं दो दो सौ रुपए के टिकट्स बिकते हैं ताजमहल के अंदर के हाँ बेसिकली वैसे तो टिकट की प्राइस होती है पच्चीस से तीस रुपए लेकिन जब आप अंदर जाना चाहोगे तो आपको दो सौ रुपए का टिकट लेना होगा तो यहां पे किस चीज को मार्केट किया जा रहा है एक टूरिस्ट प्लेस को मार्केट किया जा रहा है आइडियाज को मार्केट किया जाता है कि ब्लड डोनेट करो आप स्मोक करना नहीं है स्मोक इंजरियस टू दी हेल्थ होता है तो ये सारी चीजें भी मार्केट होती हैं इन्फॉर्मेशन जैसे कि टेक्नोलॉजी को लेकर एक डिजिटली बंदा अपना सर्विस दे रहा है तो वो भी मार्केट हो रहा है और साथ ही साथ टेंजिबल और इनटेंजिबल जो प्रॉपर्टीज होते हैं टेंजिबल जिन्हें आप देख सकते हो इन जिन्हें आप देख नहीं सकते हो उसे भी मार्केट करना आज के सिनेरियो में पॉसिबल होता है आई होप आपको यह समझ आएगा कि वट कैन बी मार्केटेड नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटर होता क्या है बेसिकली सर मार्केटर तो एक बंदा ही होगा हम जैसा आप जैसा कोई एक बंदा ही होगा जो कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा मतलब सर मार्केटिंग तो एक्सचेंज मैकेनिज्म पे काम करता है तो इसका मतलब है कि वो उस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होगा बिल्कुल ध्यान से सुनना अ पर्सन हु प्लेज अ कंपेरिटिवली मोर एक्टिव रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एक्सचेंज जो प्रोसेस होता है एक्सचेंज की जो लेन देन होती है उस प्रोसेस में जो भी सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगा ठीक है जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगा उसे क्या नाम दो के? तो मार्केटर वो बायर भी हो सकता है सेलर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रूल कि वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है एक्सचेंज प्रोसेस में कौन सा उसका रोल है तो ये चीज आई होप तुम समझ पा रहे हो कि मार्केटर होता कौन है बेसिकली ठीक है अब कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमें वो समझना है ठीक है स्टेप्स इन्वॉल्व इन मार्केटिंग मैनेजमेंट सबसे पहले आता है चूजिंग द टारगेट मार्केट आपको टारगेट मार्केट चूज करना होगा कि आपका टारगेटेड मार्केट कौन सा है किस टाइप के मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो या वो एक पर्टिकुलर सब्जी मंडी है या फिर कोई और प्रोडक्ट जिसमें आप डील करना चाह रहे हो आपको वो मार्केट टारगेट करना होगा ठीक है सर हमने मार्केट टारगेट कर लिया अब बारी आती है कि हमें डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट मतलब उस प्रोडक्ट का डिमांड बनाना होगा और साथ ही साथ हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना होगा कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं आप हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदो सो so दैट आपको ये ये सारी बेनिफिट मिल पाएंगे हमारे प्रोडक्ट से तीसरी चीज क्या आती है क्रिएटिंग डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर वैल्यूज फॉर अ कस्टमर साथ ही साथ एक वैल्यू क्रिएट करना सुपीरियर के माइंड में कि हाँ हमारा प्रोडक्ट ऐसा अगर आप हमारे प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में उनके माइंडसेट को चेंज करना ठीक है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है अच्छी अच्छी बातें बताना कस्टमर को यही होता है क्रिएटिंग डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर वैल्यूज टू द कस्टमर ठीक है चलो अब बात हम लोग करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो की है यहाँ पे सेलिंग और मार्केटिंग के बीच क्या डिफरेंस होता है वो हम समझेंगे यहां पे दो टर्म्स है यहाँ पे सेलिंग और मार्केटिंग सेलिंग इट रिफर्स टू द ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज सेलिंग क्या होता है ट्रांजेक्शन होता है दो और दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में जहां पे एक एक को एक पार्टी को प्रोडक्ट मिल रहा होता है दूसरे पार्टी को उसके बदले पैसे मिल रहे होते हैं मतलब समथिंग ऑफ अ वैल्यू मिल रहे होते हैं मार्केटिंग इज अ बिजनेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे डील करता हूं यहां पे सेलिंग में ये नहीं देखा जा रहा है क्या उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है ये चीज देखा जाता है ठीक है नहीं देखा जाता है मार्केटिंग में सेटिस्फेक्शन पे इम्फोसाइज किया जाता है कि क्या उन्हें जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो सेटिस्फाई हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे बेसिकली उस पर बात की जाती है नेचर ऑफ बात नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे जस्ट किस पे फोकस रहता है कि प्रोडक्ट बेचो आप प्रोडक्ट आपको बेचने हैं लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है यहां पे कस्टमर के नीड्स कस्टमर को क्या जरूरत है और कस्टमर क्या चाहते हैं उस पर फोकस किया जाता है बेसिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे यहाँ पे फोकस होता है ठीक है तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है की अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है जो लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है जो मार्केटर भाई साहब होते हैं वो सोचते हैं कि कैसे हमें अपने कस्टमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है सो so दैट वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो पाए ठीक है ये चीज देखी जाती है और अगर बात करें फोकस की तो मार्केटिंग का फोकस क्या होता है ब्रांड रिकोगेशन पे ब्रांड इमेज पे फोकस होता है लेकिन सेलिंग का फोकस होता है टू प्रोड्यूस मोर ज्यादा से ज्यादा बनाओ और ज्यादा से ज्यादा बेचो इस पे कंपनी का फोकस होता है और मार्केटिंग का फोकस होता है ब्रांड रिकोगेशन और ब्रांड इमेज पे फोकस होता है ठीक है क्लियर चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट की अगर बात करूं तो यहां पर सेलिंग मेंटेन्स एट द कस्टमर कंज्यूमर इंटरेस्ट इेज करता हूं थोड़ा सा यहां पे सिर्फ कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बनाया रखा जाता है लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है इंफोसाइज ऑन क्रिएटिंग इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर इनका ये इंफोसाइज होता है कि उनके इंटरेस्ट को आप बनाओ ठीक है उनके इंटरेस्ट में चेंजेस लाओ सेलिंग एक पुश स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग एक पुल स्ट्रेटी है सेलिंग प्रोडक्ट्स दे डालो प्रोडक्ट्स फेंक डालो उनपे सेलिंग होता है कि मार्केटिंग क्या होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करो उन्हें कैसी प्रोडक्ट्स चाहिए उन्हें वो बताओ तो ये सारी बातें होती है किसके अंदर मार्केटिंग के अंदर ये सारी बातें होती है ठीक है आई होप तो में हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हुआ होगा चलो आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट चीज की जो की होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी आज के सेशन का लास्ट टॉपिक रहेगा बाकी बातें हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी फिलोसफीज की बात करें तो इसमें कुछ कंसेप्ट हमें पढ़ने होते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट प्रोडक्ट कंसेप्ट सेलिंग कंसेप्ट मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटल कंसेप्ट तो बहुत ही आसान चीज है बहुत ही आसानी से समझ जाओगे तुम इसे इसमें कुछ ज्यादा टफ है नहीं चलो बात करते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट की तो अर्लियर स्टेज में देखो क्या देखा जाता था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स वॉज ग्रेटर देन दप्लाई बिकॉज जो प्रोड्यूसर्स होते थे इस गुड्स के बहुत कम होते थे इंडस्ट्रियल गुड जो होते थे उसकी बात यहाँ पे हो रही है पहले बहुत पहले की बात हो रही है उस टाइम पे जो हमारे गुड्स होते थे इंडस्ट्रियल गुड्स उनकी डिमांड ज्यादा होती थी लोग ज्यादा डिमांड करते थे लेकिन यहाँ सेलर भाई साहब इसके डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते थे क्योंकि वहां पे उस सिचुएशन में सेलर्स बहुत कम हुआ करते थे उस सिचुएशन में सेलिंग प्रॉब्लम नहीं थी ठीक है सेलिंग प्रॉब्लम नहीं थी प्रॉब्लम क्या थी कि बनाएगा कौन ठीक है हु कैन प्रोड्यूस और हु कैन सेल कि मतलब वो बंदा कौन होगा जो कि बनाएगा प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट को सेल करेगा क्योंकि यहां पे डिमांड ज्यादा था तो उस सिचुएशन में क्या देखा गया प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस किया गया प्रोडक्शन पे ज्यादा इंफोसाइज किया गया मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया ये चीज तुम्हें समझ नहीं होगी इससे क्या हुआ कि जो एवरेज कॉस्ट था प्रोडक्ट प्रोडक्शन का वो अल्टीमेटली कम हो गया अब तुम सोच कर देखो जब तुम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तुम बल्क में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो बल्क में प्रोडक्ट्स तुम बना रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम्हारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट होंगी वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी तो बनाने में जो लागत लगेगी वो कम होगी क्योंकि तुम यहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे इम्फोसाइज कर रहे हो ठीक है अब क्या हुआ यहाँ पे कंज्यूमर्स जो थे जनरली वो फेवर करने लगे अफोर्डेबल प्राइसेस पे उन्हें प्रोडक्ट्स चीपर मिलने लगी प्रोडक्शन ज्यादा हुई गुड्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई मार्केट में प्राइसेस कम हो गई तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या बात की गई थी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो तो जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कम हो जाए इस पर फोकस की गई अगर हम बात करें प्रोडक्ट कंसेप्ट की प्रोडक्ट कंसेप्ट की देखो प्रोडक्शन कंसेप्ट में बात की गई थी लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे इंफोसाइज की गई थी लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की तो इस पर क्या इंफोसाइज किया गया ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी जिससे सप्लाई तो बढ़ेगा ओवर टाइम लेकिन सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और ज्यादा से ज्यादा फीचर्स और ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस मतलब तीन चीज पे यहां पे फोकस की गई ठीक है जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे तीन चीज चाहिए क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा फीचर्स निकल कर आने चाहिए प्रोडक्ट से और प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा होना चाहिए मतलब अल्टीमेटली क्वालिटी पे बात की गई कि क्वालिटी हमें अच्छी चाहिए तब जाकर कस्टमर का एक उनपे ट्रस्ट बिल्डअप हो पाता है ठीक है क्वांटिटी क्वांटिटी नहीं चाहिए क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए हमें ठीक है तो इम्फोसाइज शिफ्टेड फ्रॉम क्वांटिटी प्रोडक्शन टू क्वालिटी प्रोडक्शन क्वांटिटी से कहा शिफ्ट कर गए क्वालिटी पे शिफ्ट कर गए ठीक है तो प्राइमरी फोकस था गुड क्वालिटी एंड ऑफरिंग एडिशनल एंड न्यू फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे अब बात करते हैं सेलिंग कंसेप्ट की ठीक है सेलिंग कंसेप्ट बेसिकली क्या था चेंजेस इन द मार्केटिंग इन्वॉर्मेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम लीड टू इंक्रीज्ड कंपटीशन जैसे जैसे हमारे मार्केट इन्वॉर्वमेंट में चेंजेस आ रहे थे हमारे कॉम्पिटिशन्स सेलर्स के बीच बढ़ते जा रहे थे नए नए सेलर्स आ रहे थे जैसे जैसे जमाना बदलता जा रहा था सेलर्स बढ़ते जा रहे थे तो अब किस चीज फोकस किया गया अब सिर्फ यह नहीं देखना था कि हमें बस सरवाइव करना है और लगानी है। मतलब जितना हो सके मार्केट करो एडवर्टाइज करो प्रमोशन करो फ्लायर्स लगाओ पोस्टर्स लगाओ जो करना है करो लेकिन प्रोडक्ट की रीच बढ़नी चाहिए कस्टमर तक मतलब प्रोडक्ट हमारा पहुंचना चाहिए कस्टमर तक प्रमोशनल एक्टिविटीज करो जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया पर्सनल सेलिंग हो गया सेल्स प्रमोशन करो इससे क्या होगा हमारी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच पाएगी ठीक है मतलब ज्यादा ज्यादा से इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक पे फोकस किया गया कैसे कि मार्केट करना है प्रोडक्ट्स को उस पर फोकस किया गया तो सेलिंग कंसेप्ट क्या किस चीज की बात करता है एग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक्स की बात करता है ठीक है क्लियर चलिए अब बात करते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट की तो मार्केटिंग कंसेप्ट का कोर होल सोल पर्पज था कस्टमर सेटिस्फैक्शन कस्टमर सेटिस्फैक्शन दिस कंसेप्ट लेस डाउन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि डिटरमाइन करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस इन द लॉन्ग रन अ फॉर्म नीड्स टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट नीड्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड देम इन इन एन इफेक्टिव ऑर्डर टू बायरफाइंग बोला गया कि अगर एक फॉर्म को लॉन्ग रन में टिकना है तो कहीं ना कहीं आपको कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देना होगा आपका होल सोल सेल जो होगा क्या होगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तभी जाकर आप उस मार्केट को पर्टिकुलरली कैप्चर कर पाओगे अदरवाइज आप कैप्चर नहीं कर पाओगे ठीक है फॉलोइंग पॉइंट एक्सप्लेन करता है कि मार्केटिंग कंसेप्ट को सबसे पहले आप अपने टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करो टारगेट कस्टमर को आपने आइडेंटिफाई कर लिया अब बारी आती है कि आपके कस्टमर क्या चाहते हैं ठीक है और उनको क्या चीज सेटिस्फाई करेगी वो आपको देखना है तीसरी चीज इट मस्ट दैट द प्रोडक्ट कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर बेटर देन डन बाय द कंपटीटर्स जो सेटिस्फैक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर को वो कहीं ना कहीं आपके कंपटीटर से ज्यादा होनी चाहिए और उद्देश्य ओवरऑल उद्देश्य क्या होता है शुड बी प्रॉफिट अर्निंग भी होनी चाहिए बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल एक्टिविटी शुड बी प्रॉफिट मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे तो ज्यादा तो ध्यान दिया गया साथ ही साथ प्रॉफिट अर्निंग पे भी ध्यान दी गई ठीक है और फिर फाइनली आता है सोसाइटल कंसेप्ट कंसेप्ट की बात करूं एक फर्म एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में रहकर काम करती है तो कहीं ना कहीं उसे सोशल प्रॉब्लम्स जो होते हैं इन्वामेंटल पॉल्यूशन हो गए डिफॉरेस्टेशन हो गए रिसोर्सेस का शॉर्टेज होना ओवर पॉपुलेशन होना इन सबको तो भी कंसिडरेशन में लेकर चलना होगा मतलब

तो अगर तुम सोच कर देखो तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट करना होगा तुम सबसे पहले मार्केट का इंफॉर्मेशन जो तुम्हें निकलने वाले उसका प्रॉपर तुम एनालिसिस करोगे प्रॉपर तुमने एनालिसिस कर लिया अब उस एनालिसिस के बेसिस पे तुम प्लान करोगे क्या हमारे कैसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए किस किस स्टेजेस पे वो डेवलप करेंगे क्या फीचर्स हम उसमें ऐड करेंगे क्या यूनिकनेस हम उसमें डालेंगे ये सारी बातें होंगी मार्केट प्लानिंग के अंदर आता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट फोर आता है स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग मतलब जिसमें हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं एक ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं ठीक है फिर पैकिंग किया हमने लेबलिंग किया ये सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे आगे मार्केटिंग मिक्स के अंदर ब्रांडिंग करेंगे हम ठीक है फिर कस्टमर सपोर्ट सर्विस आता है प्रोडक्ट प्राइसिंग प्रमोशन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज वेयर हाउस टेंशन मतलब इन सब पे डिटेल डिस्कशन होने वाला है सेशन में हर एक चीज बारे आगे बताई गई है जस्ट मैं तुम्हें अभी ओवर दे रहा हूँ कि मार्केट जो होता है मार्केटिंग जो होती है वो बेसिकली फंक्शन कैसे करती है उसके बारे में बात करने वाले हैं तो लेक्चर को ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा बोरिंग बो, बोरिंग नहीं बनाऊंगा तुम्हारे लिए जितना हो सके मैं उतने आसान भाषा में तुम्हें समझाते चलूंगा बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो की है रोल ऑफ अ मार्केटिंग इन अ फॉर्म ध्यान से सुनना एक फॉर्म है ठीक है एक फॉर्म है झोपड़ी टाइप का बना रहा हूं लेकिन मान लो फॉर्म है ठीक है अब इस फॉर्म का ठीक है इस पे मार्केटिंग जो होती है मार्केटिंग का क्या रोल होगा इस फॉर्म के लिए वो हम समझने वाले हैं ठीक है अब जैसे कि तुम्हें पता होगा जगह फॉर्म संभाल रहे हो फॉर्म चला रहे हो तो अब जाहिर सी बात है प्रोडक्ट बनाओगे प्रोडक्शन करोगे उस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में चलाना है मार्केट में कैसे लाना है उन सब की चर्चा होगी इसके अंदर मार्केटिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अचीविंग द ऑफ़ तो सबसे पहले आपको वो गोल अचीव करने में मदद करेगी। आपका जो भी गोल आपको कौन मदद करने वाला है मार्केटिंग मदद करने वाला है आगे बात करते हैं इट लेज मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब यहां पे, पे ध्यान दिया जाएगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे जो कि एक की एलिमेंट होता है फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द फर्म अगर किसी भी मार्केट को अभी के सिनेरियो में अभी के कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में ग्रो करना है तो जाहिर सी बात है उसे कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा कस्टमर्स के नीड के अकॉर्डिंग उसे प्रोडक्ट्स पहुंचाने होंगे ठीक है तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो होता है सबसे प्रायोरिटी वाला गोल होता है मतलब प्रायोरिटी हम जिसे सबसे ज्यादा देते हैं आगे है इट हेल्प्स एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू अचीव इट्स गोल इफेक्टिवली आप किसी भी टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करते हो किसी भी टाइप्स के आप ऑर्गेनाइशन हो आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो ट्रेडिंग बिजनेस हो कोई भी आपका बिजनेस हो आपका जो भी गोल है मार्केटिंग वो गोल अचीव करने में अचीव करती है इट असिस्ट द फर्म्स इन आइडेंटिफाइंग एनालाइजिंग कस्टमर्स नीड्स हेल्प इन डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस कस्टमर नीड्स अब हमारे जो भी कस्टमर्स नीड्स होते हैं कस्टमर्स होते हैं उनकी क्या जरूरतें हैं उनकी क्या वॉन्ट्स उनकी क्या नीड्स है हम उनके वॉन्ट्स और नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाएंगे और जो कि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कस्टमर के माइंड में एक इमेज बिल्डअप करता है हमारे फॉर्म के बारे में अगर हम उसे अच्छा गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो जाहिर से बात है वो अच्छा हमारे बारे में सोचेगा फर्दर इट विल हेल्प द फॉर्म टू मेक प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट एटॉर्टेबोर्डेल प्राइस सिर्फ नीड्स एंड वॉन्ट्स को सैटिस्फाई करना ही मैटर नहीं करता है मैटर ये भी करता है कि आप उस गुड्स को मार्केट में कितने प्राइस पे पहुंचा रहे हो ठीक है ये भी चीज मैटर करता है तो एक अफोर्डेबल प्राइस पे एक चीपर प्राइस पे मार्केट में पहुंचाना सो so दैट सारे आ, सारे जोन के कस्टमर्स जो भी सारे रेंज के कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर पाए ये मार्केटिंग बताता है आपको ठीक है तो ये सारे रोल होते हैं मार्केटिंग के अब यहाँ पे रोल आता है एक इकोनॉमी में मार्केटिंग का रोल क्या होता है बेसिकली ये देख लेना ये होमवर्क है बेसिक है जैसा एक मार्केटिंग का एक फॉर्म में क्या रोल होता था हमने वो पढ़ा वैसे ही मार्केटिंग का इकोनॉमी में ओवरऑल इकोनॉमी में क्या रोल होता है उसे एक बार तुम रीड करना सारी चीजें क्लियर हो जाएगी चलो आगे शुरुआत करने वाले हैं मार्केटिंग मिक्स के बारे में तुमने फोर पीस पढ़ा होगा ठीक है फोर पीस उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अगर तुम हायर स्टडीज पे जाओगे तो तुम्हें सेवन पीज पढ़ने होंगे लेकिन हमारे सिलेबस में क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में सीयूटी के सिलेबस में बस चार पीज ही पढ़ने प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन बहुत बहुत ही ही आसान है ही आसानी ही से समझाऊंगा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा चलो स्टार्ट करें तो सबसे पहले वट इज मार्केटिंग मिक्स सबसे पहले माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा देखो मार्केटिंग तुम्हें भी पता है मार्केटिंग टूल की तरह होता है ठीक है मार्केटिंग क्या एक टूल की तरह है जो कि बिजनेस को मदद करता है अपने प्रोडक्ट्स को ऊपर उठाने में ऊपर उठाना इन द सेंस की पूरे मार्केट में फैलाने में लोगों को अवेयर करने में प्रोडक्ट को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में ये कौन मदद करता है मार्केटिंग मदद करता है तो उस मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे सब टूल्स इंक्लूडेड होते हैं ठीक है जैसे सब पार्ट तुम बोल सकते हो उसके अंदर क्या होते हैं बहुत सारे सब पार्ट होते हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर जैसे कि प्रोडक्ट हो गए प्रमोशन हो गए प्राइसेस हो गए प्लेस हो गए बेसिकली इन्हीं चार के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो मार्केटिंग किसी एक चीज से मिलकर नहीं बना होता इन चार चीजों से मिलकर हमारा मार्केटिंग बना होता है तो उसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन वेरियस विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑफ मार्केटिंग आर अ लार्ज नंबर फैक्टर्स जिसमें से कुछ कंट्रोलेबल होते हैं और कुछ नॉन कंट्रोलेबल होते हैं ये चीज तुमने बिजनेस इन्वा में पढ़ रखा होगा कि कुछ फैक्टर्स कंट्रोलेबल होते हैं कुछ फैक्टर्स नॉन कंट्रोलेबल होते हैं ठीक है तो वही सारे फैक्टर्स कभी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स रिफर्स टू फैक्टर्स विच कैन बी कंट्रोल्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉर्म जिन्हें आप कंट्रोल कर लो ठीक है कंट्रोल किसे कर पाओगे आप अपने प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग इन सब को कंट्रोल कर सकते हो नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर जो कि बाहरी फैक्टर्स होते हैं अंदरूनी फैक्टर्स अपने फॉर्म के अंदर वाले फैक्टर्स को तुम कंट्रोल कर सकते हो लेकिन जो फॉर्म्स के बाहर है फॉर्म के बाहर है जो फैक्टर्स उसे तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गए गवर्नमेंट आए दिन पॉलिसीज अपनी चेंज करती है टैक्सेशन पॉलिसी चेंज करती है रूल्स एंड रेगुलशन चेंज करती है तो उस सिचुएशन में क्या तुम गवर्नमेंट को कंट्रोल कर पाओगे तो आंसर इज नो ठीक है सेम सिचुएशन अप्लाई होता है इन्फ्लेशन पे इन्फ्लेशन तुमसे पूछ कर नहीं आएगा वो वो एक्सटर्नल फैक्टर है अल्टीमेटली तुम्हारे बिजनेस फॉर्म को इफेक्ट करेगा ही तो इन्फ्लेशन हो गए गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गए कमर्शियल बैंक्स के पॉलिसीज हो गए तो ये सारे नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जिसपे एक फॉर्म का कंट्रोल नहीं होता है टू अचीव द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग फॉर्म कंटिन्यूसली अल्टर द वेरियस कंट्रोलेबल फैक्टर्स दिस फैक्टर आर ऑल्सो नोन एज मार्केटिंग टूल्स फ्रॉम द बेसिक पिलर्स ऑफ अ मार्केटिंग ध्यान से सुनना तो हमें अगर एक फॉर्म का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो हमारे जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं प्राइसेस हो गए ठीक है ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग इन सबको तुम कंट्रोल कर सकते हो हमें टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस करने होते हैं होतेशन करने होते हैं और इन्हीं सबको हम नाम देते हैं मार्केटिंग पिलर्स पूछा जा सकता है बेसिक पिलर्स ऑफ मार्केटिंग किसे बोलते हैं या फिर मार्केटिंग टूल्स किसे बोलते हैं तो इन सब की यहां पे बात हो रही है एक पॉइंट और पढ़ लो इसमें

चलो तो इसमें से सबसे पहला स्टार्ट होता है प्रोडक्ट स्टार्ट करें व्हाट इज प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में जैसे ही तुम सुनते हो तो कुछ भी तुम्हारे माइंड में आ सकता है कोई भी चीज प्रोडक्ट हो सकती है फॉर एक्जाम्पल ये मोबाइल फोन अगर तुम देख पा रहे हो तो दैट इज आर प्रोडक्ट ये पेन देख पा रहे हो तुम दैट इज आर प्रोडक्ट ये तुम स्मार्ट वॉच देख पा रहे हो यहाँ पे ये सारे ही क्या है हमारे प्रोडक्ट है बेसिकली ठीक है तो प्रोडक्ट वो चीज होती है जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करती है क्या करती है नीड्स एंड वॉन्ट को सेटिस्फाई करती है फॉर एग्जाम्पल पे एक माउस रखा हुआ है ये माउस मैं इसका यूज ले पा रहा हूं मैं इसका यूज ले पा रहा हूं मैं काम कर पा रहा हूं uh, जो भी चीजें यहां पे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे यहां पे कर रहा हूं माउस कर सर मूव हो रहा है मूवमेंट हो रहा है वो सारी चीजें मैं माउस की मदद से कर पा रहा हूं ठीक है इस मोबाइल फोन से मैं कॉल कर पाता हूं तो ये मेरे वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो अ रिफर्स टू द मिक्स ऑफ वेरियस टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों ही चीजें आ सकती है टेंजिबल जिसे कि तुम देख सकते हो फील कर सकते हो मोबाइल फोन इंटेंजिबल जिसे तुम फील नहीं कर सकते हो जिसकी प्रेजेंस को सॉरी जिसे तुम बस फील कर सकते हो टच नहीं कर सकते हो टेंजिबल जिसे कि हम टच एज वेल एज फील दोनों ही कर सकते हैं ठीक है लेकिन इंटेंजिबल की जब बात आती है तो हम उसे टच नहीं कर सकते बस उसके प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं क्या कर सकते हैं फील कर सकते हैं कि हाँ वो हमारे पास प्रेजेंट है हमारे पास है वो हमारा एसेट है वो तो प्रोडक्ट के अंदर दोनों ही चीजें आती हैं टेंजिबल एज वेल एज इन जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है और मॉनेटरी टर्म्स में एक्सचेंज किया जाता है और वो प्रोडक्ट हमारे वांट्स को क्या करते हैं? करते हैं हैं हमारे नीड्स को सेटिसफाई करते हैं तो ये सारी बातें होती है प्रोडक्ट के अंदर तो प्रोडक्ट इज डिफाइंड नॉट ऑनली टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट बट ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय अ प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर फॉर एक्जाम्पल आफ्टर सेल सर्विस तुम कहीं से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तुमने एक लैपटॉप चेस करा ठीक है और लैपटॉप पे कुछ डिफेक्ट निकल गया तो तुमने परचेज कर लिया तो अब क्या उस दुकान वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां खत्म हो जाती है नहीं खत्म नहीं हो जाती है वो जाएगा तुम तुम लेकर जाओगे लैपटॉप वो उसकी सर्विसिंग करके देगा अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं डिफेक्ट आ गई हैं एरर्स आ गई हैं तो वो क्या है सर्विस है तो वो भी प्रोडक्ट के अंदर आता है आफ्टर सेल सर्विस जो हमें मिल रहा है वो भी प्रोडक्ट्स के अंदर आता है जैसे कि कस्टमर केयर्स हो गए एडवर्टीजमेंट सॉरी एड्रेसिंग कंज्यूमर कंप्लेन हो गए फीडबैक लेना ये सारी चीजें प्रोडक्ट्स के पार्ट होते हैं तो अगर मैं तुम्हें इसे समराइज करूं तो प्रोडक्ट क्या होता है प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं तो प्रोडक्ट के अंदर आ, फिजिकल प्रोडक्ट्स तो आएंगे ही साथ ही साथ सर्विसेज भी आएंगे ठीक है जो कि कहीं ना कहीं क्या होती है इंटेंजिबल होती है सर्विसेज आर इंटेंजिबल ये चीज तुम याद रख लेना तो सर्विसेज क्या होती है हमारी इंटेंजिबल होती है मैं यहां पर लिख देता हूं तुम्हें जिससे तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए फिजिकल्स जो होते हैं ये टेंजिबल होते हैं जिसकी प्रेजेंस को तुम फील कर सकते हो टच कर सकते हो उन्हें लेकिन जो सर्विसेज होते हैं हमारे इंटेंजिबल होते हैं इंटेंजिबल इन द सेंस जैसे कि तुमने अगर एक बाइक परचेज की ठीक है बाइक तुमने परचेज किया बाइक में कुछ खराबी निकल जाती है दूसरे दिन ही तुम वापस से सर्विस सेंटर जाओगे अब वहाँ पे क्या वो शोरूम वाला तुम्हें आफ्टर सेल सर्विस देने से मना कर देगा या उस बाइक की सर्विसिंग करने से मना कर देगा नहीं ये होता है हमारा आफ्टर सेल सर्विस हम बोलते हैं सामान बिकने के बाद भी तुम्हें अगर वो बंदा सर्विस दे रहा है उस प्रोडक्ट की तो दैट इज आफ्टर सेल सर्विस और ये भी प्रोडक्ट माना जाता है भले ही सर्विस में आता है और इंटेंजिबल कहलाता है आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर हुआ हो कि प्रोडक्ट होता क्या है अल्टीमेटली अगर समराइज करूं तो प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज थिंग्स विथ सेटिस्फाई आर नीड्स चलो प्रोडक्ट को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में पहला आता है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और दूसरा आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो कि हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं जो भी चीज़ें हो सकती हैं खाने पीने की चीज़ें हो गई टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हो जाती हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें आ जाती हैं इसके और भी सब क्लासिफिकेशन है जैसे ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व तो नॉन ड्यूरेबल ड्यूरेबल सर्विसेज ये सारी चीज़ें आती हैं इसको यहाँ तुम क्लासीफाई कर दो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे और शॉपिंग एफर्ट्स के बेसिस पे ठीक है तो ये सारी बातें होती हैं ज्यादा इसमें डिटेल में हमें नहीं जाना है लेकिन बंडल्स ऑफ यूटिलिटी हमें यहाँ पे समझना है देखो ये वो मैंने इसलिए स्किप किया है क्योंकि वो तुम्हें पता होगा कि कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होता है लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे निकल कर आता है वो है बंडल्स ऑफ यूटिलिटी एक बार समझ पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करूंगा इसे कंज्यूमर डिराइव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट सो वेन अ कंज्यूमर डिसाइड्स टू परचेज अ प्रोडक्ट इज और हर मेन फोकस इज ऑन द यूटिलिटी विच ही वुड रिसीव ऑन कंज्यूमिंग इट ध्यान से सुनना क्या बोला गया है एक कस्टमर है वो मार्केट में जा रहा है मोबाइल फोन परचेज करने के लिए तो जब वो मोबाइल फोन परचेज कर रहा होगा तो उस टाइम उसका मेन मकसद क्या होगा वो माइंड में सोच कर रहा होगा इससे मुझे सेटिस्फैक्शन क्या मिलने वाला है इससे मुझे यूटिलिटी क्या मिलने वाली है जब मैं इसे कंज्यूम करूंगा मतलब कंज्यूम तो खाऊंगा तो नहीं मतलब कंज्यूम इन द सेंस कि जब मैं उसे इस्तेमाल करूंगा प्रोडक्ट को यूज़ करूंगा तो उसे क्या हमें यूटिलिटी मिलने वाला है एक कस्टमर का वो फोकस उस पर होता है तो एक प्रोडक्ट बंडल्स ऑफ यूटिलिटी होता है प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज एक प्रोडक्ट के अंदर ढेर सारे यूटिलिटीज़ होते हैं कस्टमर डिराइव वेरियस ऑफ सेटिस्फैक्शन बेनिफिट्स फ्रॉम अ कंजम्पन ऑफ अ प्रोडक्ट ठीक है फ़ोन से तुम बहुत सारे काम कर सकते हो तुम्हारा अगर प्रोडक्ट मोबाइल फोन है तो तुमसे तुम फोन से कॉलिंग कर सकते हो फोटोग्राफी कर सकते हो गेम खेल सकते हो तो तुम्हारा मकसद ये रहता है तुम फोन लेने जाते हो अगर मार्केट तो सबसे पहले सोचते हो गए यार इसमें कैमरा क्वालिटी इसकी कैसी है कितने मेगा पिक्सल का कैमरा है बैटरी एम एच कितनी है ठीक है क्या हम इसमें गेमिंग कर सकते हैं रैम कितना है प्रोसेसर कौन सा इसमें डाला गया है जी पी ओ कौन सी है ये सारी बातें यहाँ पे होती हैं तो ये तुम किस चीज़ में फोकस कर रहे हो तुम यूटिलिटी पर फोकस कर रहे हो प्रोडक्ट से हमें क्या यूटिलिटी मिलने वाली है तुम उस पर फोकस कर रहे हो तो एक प्रोडक्ट में बंडल्स ऑफ यूटिलिटीज होती हैं ढेर सारी यूटिलिटीज होती हैं तो उसी यूटिलिटीज को क्लासिफाई किया गया है तीन पार्ट्स में पहला आता है फंक्शनल यूटिलिटी दूसरा आता है साइकोलॉजिकल यूटिलिटी और तीसरा आता है हमारा यहाँ पे एक मिनट तीसरा आता है हमारा यहाँ पे सोशल बेनिफिट तो अगर बात करें फंक्शनल बेनिफिट की तो फंक्शनल बेनिफिट रिफर्स टू द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द बेसिक फंक्शन परफॉर्म द प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल अ कुकिंग गैस रेंज प्रोवाइड्स अ फंक्शनलिंग यूटिलिटी एज अ मीडियम ऑफ कुकिंग ध्यान सुनना इस एग्जाम्पल पर मैं फोकस नहीं करूंगा वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन हम जब बात कर रहे थे पे मोबाइल फोन की तो मोबाइल फोन का प्राइमरी वर्क क्या होता है कॉलिंग होता है या नहीं होता है तुम खरीदते हो तो उसका बेसिक फंक्शन कॉल करने के लिए तुम लेते हो फोन करने के लिए लेते हो ठीक है तो आगे बात करें अगर साइकोलॉजिकल फंक्शन की तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स रिफर्स टू द बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ अ प्राइड एंड सेल्फ स्टीम डिराइव फ्राम ओनिंग द प्रोडक्ट फॉर इंस्टेंस अ कंज्यूमर कैन ड्राइव अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट फ्राम ओनिंग ए कुकिंग गैस रेंज विच हैज अडर्न मीन्स ऑफ कुकिंग अब तुमने देखो ध्यान से सुनना एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं एंड्रॉयड यूजर्स होते हैं और एप्पल यूजर्स दोनों का काम क्या होता है दोनों से हम कॉल कर सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल एप्पल अगर लेते हैं मोबाइल फोन लेते हैं तो पीछे पर्पस क्या रहता है एक इमेज क्रिएट करना एक प्रेस्टीज क्रिएट करना सेल्फ स्टीम खुद का इज्जत किया रहे, उसके पास आईफोन है तो उसका एक अलग इमेज होता है तो वो चीज़ किस में आएगा वो चीज़ किस में आएगा एक मिनट तो वो चीज आ जाता है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के अंदर मतलब यहां पे बात हो रही है प्राइड की सेल्फ स्टीम की बेसिक फंक्शनल बेनिफिट कॉलिंग दोनों से होगा हाँ एप्पल वाले को लोग कहेंगे अरे यार उसके पास बहुत पैसे हैं उसने आईफोन ले रखा है तो वो चीज यहां पे बात हो रही है आखिर आता है सोशल बेनिफिट्स सोशल बेनिफिट्स बेनिफिट्स रिफर्स इन द द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस अमंग पियर ग्रुप कंजम्पशन और यूज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अब सोशल बेनिफिट्स तुम्हारे फ्रेंड्स हो गए फ्रेंड सर्कल सोसाइटी उन सब में तुम्हारा एक रुबाब चल रहा है एक अलग ही रॉब चल रहा है कि तुम ओएस सॉरी मैकोस मैं बोल रहा हूँ तुम आईफोन यूजर हो तो ये सारी चीजें होती हैं फंक्शनल साइकोलॉजिकल और सोशल तीन बंडल्स मतलब यूटिलिटी जो होती है यूटिलिटीज के अंदर हमें तीन टाइप्स के बेनिफिट्स मिलते हैं फंक्शनल साइकोलॉजिकल और सोशल बेनिफिट्स तो ये बात हो गई अब आता है हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स हमने कौन सा देखा सबसे पहले कि प्रोडक्ट होता क्या है ये हमने समझ लिया और उसमें बंडल्स ऑफ यूटिलिटीज क्या होते हैं अब बात करेंगे प्रोडक्ट मिक्स के बारे में तो प्रोडक्ट मिक्स के बारे में अगर बात करें तो इट रिफर्स टू एसेंशियल डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट क्वालिटी डिजाइन पैकेजिंग एंड असॉर्टमेंट दैट इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर्स ऑफर्ड टू द मार्केट ध्यान से सुनना प्रोडक्ट मिक्स में वो सारे डिसीजनस होंगे जो कि रिलेट करते हैं किससे प्रोडक्ट से जैसे कि प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी होगी प्रोडक्ट को एसॉटमेंट कैसे किया जा रहा होगा एसॉटमेंट मतलब होता है सिमिलर नेचर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है ठीक है एसॉर्ट किया जाता है तो इसकी बात होती है कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें ब्रांडिंग ब्रांडिंग होता क्या है ब्रांडिंग रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ गिविंग अम यूनिक साइन सिंबल और टर्म दैट इज अ ब्रांडिंग फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट जिसे तुम देखते ही समझो कि वो इस ब्रांड का है ठीक है जैसे कि अगर तुम इसे भी देखते हो इस फोन को देखोगे तुम नहीं पहचान पाओगे कि किस ब्रांड का है ठीक है लेकिन अगर यहीं पे एक एप्पल का लोगो मतलब आधा सेब का लोगो लगा हुआ रहता तो तुम पहचान जाते कि ये एप्पल है आईफोन है ठीक है तो ब्रांड एक क्या होता है एक यूनिक नेम होता है यूनिक सिंबल होता है जिसे लोग देखते ही समझ जाते हैं कि अच्छा ये उस ब्रांड का है तो ये हमें क्या देता है एक इमेज देता है मार्केट वैल्यू देता है तो एक प्रोडक्ट का अच्छा खासा ब्रांड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आता है यहाँ पे टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांड कौन कौन से वो टर्म्स हैं सबसे पहला आता है ब्रांड ब्रांड क्या हो सकता है ब्रांड कुछ भी हो सकता है नेम टर्म साइन सिम्बल्स डिजाइन कॉम्बिनेशन इन सब का ठीक है ये सारे क्या हो सकते हैं ब्रांड ब्रांड नेम क्या हो सकता है ब्रांड नेम इज द पार्ट ऑफ ब्रांड ब्रांड का वो हिस्सा जो कि जनरली हम लोग बोलते हैं वर्बल पार्ट ऑफ ब्रांड फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट्स अंकल चिप्स अब अगर मैं बात करूं एशियन पेंट्स की तो एशियन पेंट्स पे जो लोगो बना रहता है अभी वो पर्टिकुलर लोगो मुझे याद नहीं है क्या तुम उसे बोल पाओगे नहीं नहीं बोल पाओगे उसके नीचे जो नाम लिखा रहता है एशियन पेंट तुम वो बोल पाते हो ठीक है चलो अब यहाँ पे अगर बताओ जैसे एप्पल की अगर बात करूँ तो एप्पल में आधा सेब का लोगो बना रहता है तुम क्या बोलोगे आधा सेब नहीं ऐसा नहीं बोलोगे तुम बोलोगे एप्पल है आईफोन है वो ठीक है ऐसा बोलोगे तो, तो दैट इज़ जो वर्बल पार्ट हो जिसे कि हम बोल पाते हो तुम समझ पा रहे हो क्या चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ तुम्हें अगर मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ दिखाऊँ अगर अभी फिलहाल तो नहीं है कुछ भी वैसा जो तुम्हें मैं यहाँ पे बता पाऊँ hmm, हाँ नहीं 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 है कुछ भी नहीं है चलो एप्पल वाला ही एग्जाम्पल यहाँ पे बेस्ट कंसिडरेबल होगा कि वो जो आधा से तुम प्रोनाउंशिएट करोगे क्या ऐसे जो इधर से साइड से खाया हुआ रहता है वो तुम कर पाओगे प्रोनाउंशिएट तो आंसर है नहीं नहीं कर पाएंगे तो उसको बोलने के लिए उसका जो वर्बल पार्ट होता है एप्पल का आईफोन कहते हैं जिसे कि हम उसको हम नाम देंगे ब्रांड नेम अब व्हाट इज ब्रांड मार्क मार्क इज अ पार्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड बट कैन नॉट बी स्पोकन दैट इज आधा सेव फॉर एग्जाम्पल गट्टू ऑफ एशियन पेंट्स और डबिल ऑफ ऑनिडा मतलब ये दो ब्रांड्स हैं एशियन पेंट्स में जो गट्टू भाई साहब बने हुए रहते हैं फिर ओनीडा का जो डबिल होता है मतलब होगा कोई लोगों को होगा मुझे भी ध्यान में नहीं है फिलहाल एप्पल तो, वाला एग्जाम्पल दे रहा था मतलब जिससे कि हम बोल नहीं सकते हैं तो ये चीज याद रहेगा ना ब्रांड नेम जिससे कि हम वर्वली बोल सके प्रोनाशिएट कर सके ब्रांडमार्क उसका वो जो लोगो रहता है बेसिकली उसकी बात हो रही है एग्जाम्पल देता हूँ एग्जाम टाइम हमारा चैनल इसका जो बना हुआ है लोगो बेसिकली कुछ ग्रेजुएट टाइप का बना हुआ है ऐसे मैं बना तो नहीं पा रहा हूँ ऐसे ऐसे लोगों कुछ बना हुआ है क्या तुम उस पर एक टोपी पहनाया हुआ है क्या तुम उस लोगों को pronounce कर सकते हो नहीं कर सकते हो लेकिन जो उसका नाम दिया हुआ है तुम उसे pronounce कर सकते हो दैट इज ब्रांड नेम और ये जो लोगो बना हुआ है दैट इज आर ब्रांडमार्क ठीक है अब बात करते हैं ट्रेडमार्क की तो ट्रेडमार्क होता क्या है ट्रेडमार्क की अगर बात करें जो ब्रांड लीगली रजिस्टर्ड हो जाए क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना जो ब्रांड लीगली रजिस्टर्ड हो जाए हम उसे नाम देंगे ट्रेडमार्क अब जरूरी नहीं है कि सारे ही ब्रांड ट्रेडमार्क हो लेकिन जितने भी ट्रेडमार्क होते हैं वो सारे ब्रांड होते हैं क्या मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ देखो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं एक ब्रांड है फॉर एग्जाम्पल आईफोन एप्पल का ये बेसिकली रजिस्टर्ड है क्या है ये रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड है ये ठीक है तो ये क्या हो जाएगा इसे कहलाएगा ट्रेडमार्क हम इसे क्या कहेंगे इसे हम ट्रेडमार्क बोलेंगे बेसिकली लेकिन जो ब्रांड्स रजिस्टर्ड नहीं है क्या तुम तो तुमसे ट्रेडमार्क बोलोगे नहीं बोलोगे पार्ट विच हैज लीगल प्रोटेक्शन ट्रेडमार्क वो होता है जिसके पास लीगल प्रोटेक्शन होता है सो दैट नो अदर फॉर्म्स कैन यूज सच नेम और द मार्क मतलब अब ये बताओ एप्पल का कोई ये लोगो चोरी करके नाम इस्तेमाल कर सकता है नहीं कर सकता है अब भले ही तुम पूरा सेप बना के कुछ और अलग फोन निकाल दो वो अलग बात है एडिडास एडिडास के तुमको एबिबास भी देखने को मिलते हैं लेकिन कोई खुल के एडिडास नहीं यूज, यूज करता है तो दैट इज ट्रेडमार्क की वजह से वो लीगल प्रोटेक्शन उसे मिल जाता है कोई अगर चोरी करेगा तो उस पर केस हो जाएगा तो वैसे ब्रांड्स वैसे लोगो वैसे नेम जो कि आपने लीगली रजिस्टर करवा दिया है ट्रेडमार्क उसे हम बोलेंगे क्या सारे ब्रांड ट्रेडमार्क होते हैं नहीं सारे ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते हैं क्योंकि कुछ ब्रांड हो सकता है रजिस्टर्ड ना हो कुछ ब्रांड्स रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड होंगे सिर्फ उसे ही हम ट्रेडमार्क बोलेंगे क्या सारे ट्रेडमार्क ब्रांड हो सकते हैं बिल्कुल सही सारे ट्रेडमार्क ब्रांड कहलाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होकर ही ट्रेडमार्क बने आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा चलो अब कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड नेम तो पहला आता है सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए यूनिकनेस होनी चाहिए एडेप्टेबल और लीगल प्रोटेक्शन उसका होना चाहिए सिंपल एंड शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि जिसे बहुत आसानी से लोग समझ जाए कि अच्छा ये उस ब्रांड का है शॉर्ट इन द सेंस छोटा हो प्यारा सा हो जैसे कि कोक हो गया पेप्सी हो गया एप्पल हो गया इन सब देखो कि जितना प्रेसाइज हो सके वो इतना प्रिसाइज रखते हैं सिंपल और शॉर्ट कि लोगों के माइंड में वो बहुत जल्दी अपनी एक जगह बना ले लोगों के दिमाग से वो निकले ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब वो नाम लेते ही समझ जाओ अच्छा ये उस प्रोडक्ट की बात कर रहा है द नेम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट मस प्रोवाइड एन आइडिया ऑफ द यूज एंड बेनिफिट फॉर एग्जाम्पल उजाला की बात करें उजाला समझ जाओगे किस ब्रांड की यहाँ पे बात हो रही है ठीक है यूनिकनेस यूनिकनेस की अगर बात करें तो जो आपका नेम आप चूज करोगे वो यूनिक होना चाहिए हर एक एस्पेक्ट में ठीक है वो आपके ब्रांड से आपके ब्रांड को सूट करे ठीक है अडेप्टेबल ब्रांड शुड भी एडेप्टेबल इन देंस सचेज दैट इट रिक्वायर्ड न्यू प्रोडक्ट कैन ऑल्सो भी इंट्रोड्यूस अंडर टेन वैसा आप ब्रांड नेम चूज करोगे कि आए दिन अगर फ्यूचर में तुम नए नए प्रोडक्ट्स और भी इंट्रोड्यूस करते हो तो तुम उस ब्रांड वो जो तुमने ब्रांड नेम चूज़ किया है वो तुम्हारे नए प्रोडक्ट के साथ एडेप्टेबल हो जाए तुमको अलग से फिर कोई नया नया ब्रांड ना निकालना पड़े ठीक है आ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो पेप्सी जो होती है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स भी निकालती है कोक की अगर मैं बात करूँ कोक के अलग अलग प्रोडक्ट्स भी आते हैं ठीक है माजा हो गया स्लाइस हो गया ये सारी चीज़ें एक तो हमारा कोका कोला वैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ तुम्हें कोका कोला तो को किसका हो जाता है बेसिक जो पीते हो फिर थम्सअप हो जाता है थम्सअप का पता नहीं मुझे लेकिन हाँ स्लाइस और माजा आ जाता है इसी के अंदर तो अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके ब्रांड को लेकर एडेप्टेबल हो जाए लीगल प्रोडक्शन करवाना जरूरी है नहीं तो फ्यूचर में कुछ और ही कर लेगा आपके नाम पे प्रोडक्ट बनाकर बेचना शुरू कर देगा ठीक है ध्यान रखोगे ये चीज अब यहाँ पे दिया हुआ है एडवांटेजेस टू मार्केटर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसको रीड करना बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है क्लियर हो जाएगा सारा चीज रीड कर लेना एक बार ज्यादा कुछ इसमें नहीं है तो पैकेजिंग वैसे होता क्या है अगर मैं समझाऊं तुम्हें तो किसी चीज को अगर प्रोपरली पैक किया गया हो एक एक्स्ट्रा लेयर से तो उसे हम नाम बोलते हैं उसे क्या हम नाम देते हैं पैकेजिंग नाम देते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर इस पेन को एक एक्स्ट्रा लेयर से पैक किया जाए दैट इज आर पैकेजिंग तो पैकेजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ कंटेनर बोल लो रैपर बोल लो किसका प्रोडक्ट का किसी भी प्रॉकेट किसी भी प्रोडक्ट का एक बॉक्स में आता है जब ऑनलाइन सामान मांग मंगाते हो तो एक कार्टून में आता है कोई भी सामान तो दैट इज क्या बोलेंगे उसे पैकेजिंग बोलेंगे तो पैकेजिंग जो होता है वो तीन टाइप का होता है पहला होता है प्राइमरी दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल हो रहा होगा तुम्हें प्राइमरी पैकेज सेकेंडरी पैकेज ट्रांसपोर्ट पैकेज क्या होता है ध्यान से सुनना प्राइमरी पैकेज यहाँ पे टूथपेस्ट का पे एक एग्जाम्पल दिया गया तुम जो भी टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो टूथपेस्ट जब आता है तो वो खुले तुम्हें एक कटोरी या फिर ग्लास में तुम्हें नहीं दे देते एक बर्तन में तुम्हें नहीं दे देते वो एक प्रॉपरली एक ट्यूब में आता है ठीक है एक प्रॉपरली ट्यूब में रहेगा जिससे कि तुम्हें जब जब भी तुम्हें ब्रश करना हो वो उस ट्यूब को तुम प्रेस करोगे उससे टूथपेस्ट निकलेगा और तुम उसे ब्रश उसे कर लोगे ये बेसिक प्रोसेस जो होता है तो उसे हम नाम देंगे प्राइमरी पैकेजिंग मतलब जो प्रोडक्ट के सबसे करीब हो ठीक है उसे क्या नाम देते हैं प्राइमरी पैकेज ट्यूब ऑफ अ टूथपेस्ट इमीडिएट बोल लो कंटेनर पैकेज बोल लो प्रोडक्ट का नाम इसे देते हैं इमीडिएट और कंटेनर पैकेज टूथपेस्ट ट्यूब हो गया कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स हो गए ये सारी चीजें सेकेंडरी पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे मैं अगर जूम करूं थोड़ा सा एक मिनट देख पा रहे होगे कि जो कोलगेट यहाँ पे आता है वो एक और जैसे ट्यूब में तो रहेगा ही प्लस उसका एक खुद का पैकेट रहता है जिसमें उसके ब्रांड नेम बहुत अच्छे से लिखी रहती है मतलब एक कार्टून का बना हुआ रहता है तुम ऐसा बोल सकते हो तो उसे हम क्या हम नाम देंगे सेकेंडरी पैकेजिंग और ये होता है हमारा नेक्स्ट और एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन क्या बोल सकते हैं इसे नेक्स्ट और एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन भी इसे हम इसका नाम दे सकते हैं नेक्स्ट और एडिशनल लेयर ऑफ अ पैकेजिंग ठीक है ये चीज समझ पा रहे हो कार्डबोर्ड बॉक्स इन विच कार्डबोर्ड बॉक्स इन विच ट्यूब ऑफ द टूथपेस्ट इज पैक्ड वो कार्डबोर्ड बॉक्स जिसमें जो भी आपका ट्यूब जिसमें टूथपेस्ट रखा गया है वो पैक किया जाएगा नेक्स्ट आता है इसमें ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग कार्टून यहाँ पे देख पा रहे हो ऑनलाइन कोई भी सामान मंगाते हो ठीक है उसके अंदर प्रोडक्ट रखा हुआ रहता है तो वो जो लास्ट स्टेज रहता है फर्दर लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जिसे बोल सकते हैं स्टोरेज के लिए जो कि इस्तेमाल किया जाता है कि ट्रांसपोर्ट में आप जब भेजोगे उससे वो डैमेज ना हो क्या हो डैमेज ना हो ट्रांसपोर्टेशन में उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक और एक्स्ट्रा पैकिंग जो दी जाती है ठीक है उसे हम नाम देते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग लास्ट स्टेज होता है ये पैकेजिंग का ये वुडन बॉक्स में हो सकता है कार्टून में हो सकता है कार्डबोर्ड बॉक्स में हो सकता है प्लास्टिक बॉक्स में हो सकता है ये किसी भी तरीके से किया जा सकता है इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है तो तीन पैकेजिंग होते हैं यह चीज़ तुम्हें समझना होगा कौन कौन से तीन पैकेजिंग होते हैं अगर मैं तुम्हें दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहला था प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी और तीसरा होता है हमारा कौन सा ट्रांसपोर्टेशन पैकेज आई होप तुम्हें यह चीज़ क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट अगर बात करें इसके फंक्शंस की तो फंक्शंस क्या क्या होगा तुम जरा सोच कर देखना प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करेगा प्रॉपर पैकेजिंग प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डैमेज अगर कोई प्रकार का डैमेज हो सकता है आधा हवा भरा हुआ रहता है अगर वो नहीं डालेंगे तो वो खराब हो जाएगा ठीक है आगे बात करें आइडेंटिफिकेशन पैकेजिंग वैसी होने से हो हो जिससे देखते ही कस्टमर आइडेंटिफाई कर दे कि अच्छा ये लेज है ना कि कोई सा भी फालतू सा चिप्स है ये पैकेट ग्रीन ऑनियन वाला अगर देख लो क्रीमी ऑनियन या टोमेटो वाला तुम देख लो नेक्स्ट है कन्वीनियंस पैकेजिंग द कंज्यूमर टू हैंडल द प्रोडक्ट कन्वीनियंटली अब अगर सोच कर देखो टूथपेस्ट ट्यूब में आ रहा है अगर टूथपेस्ट तुमको दुकान वाला ऐसे ही देके चला जाता तो तुम उस टूथपेस्ट को कैसे कर रहे हो तो तुम जरा सोच कर देखो दिमाग में थोड़ा सा लाओ वो चीज़ ये मान लो तुम्हारा ब्रश है और तुम्हारे पास इसमें टूथपेस्ट रखा हुआ है तुम क्या ऐसे लेके ऐसे फिर ब्रश कर रहे होते नहीं ये लॉजिकली नहीं बनता है और फालतू हो जाता है प्रैक्टिकली भी तो कन्वीनियंस होता है इस्तेमाल करने में आसानी हो जाती है जैसे मिल्क को पैकेट्स में पैक किया जाता है कोल्ड ड्रिंक को बॉटल्स में पैक किया जाता है अगर तुम्हें एक किसी मग में कोल्ड ड्रिंक ला के देते तुम लेना चाहोगे नहीं लेना चाहोगे नेक्स्ट आता है प्रमोशन और कहीं ना कहीं वो पैकेजिंग ऐसा होगा जो कि उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा रहेगा उस ब्रांड का नेम उसका लोगो चिपका हुआ रहेगा जैसे कि डेरी मिल्क पे डेरी मिल्क पे डेरी मिल्क अच्छे से लिखा हुआ रहता है फिर चॉकलेट का फोटो बना हुआ रहता है तो ये क्या करता है प्रमोट करने में गुड्स को प्रमोट करने में प्रोडक्ट्स को ऊपर उठाने में मदद करता है तो प्रोटेक्शन आइडेंटिफिकेशन कन्वीनियंस एंड प्रमोशंस ये सारे इसके क्या होते हैं फंक्शंस होते हैं आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकता है इसका तो राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन अब जो भी पैक्ड गुड्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं खराब नहीं होंगे अच्छे से रहेंगे वो वो मतलब अच्छे से रहना कि वो बेकार नहीं हो जाएंगे फिर सेल्फ सर्विस आउटलेट्स

कोई भी सामान आपको मिलता होगा ऑनलाइन ऑर्डर करते हो गए अमेजोन फ्लिपकार्ट से किसी भी वेबसाइट से तो वहां पे आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल प्रॉपरली चिपका हुआ रहता है उस लेवल में भेजने वाला का एड्रेस रहता है रिसीवर्स का एड्रेस रहता है प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी रहती है तो लेबलिंग रिफर्स टू प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ अ टैग और लेबल टैग के फॉर्म में लेबल के फॉर्म में ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दीज टैग्स और लेवल्स कंटेंट डिस्क्रिप्शन अबाउट अ प्रोडक्ट्स नेम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी प्राइस कंटेंट्स ये सारी बातें की गई होती हैं देख सकते हो ये भी लेवल का एक्साम्पल है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये चीज तुम समझ पा रहे हो कि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ लेबल एक चिपका हुआ रहता है कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मंगाते हो ठीक है तो उस लेवल पे सारी बातें लिखी हुई रहती है जैसे कि फंक्शन डिस्क्रिप्शन एंड यूज ऑफ द कंटेंट अ लेवल डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिक इट्स कंपोनेंट और अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन जैसे कि प्रोडक्ट में क्या क्या कंटेंट्स हैं शन इसको इस्तेमाल करते वक्त प्रोसीजर ऑफ यूज पैकेट रहता है पैकेट के पीछे भी लिखा हुआ रहता है कैसे कैसे इस्तेमाल करना है इंग्रेडिएंट्स कितना नमक डाला गया है कितना चीनी डाला गया है वो सारी बातें आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स कंज्यूमर इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट और ब्रांड फॉर इंस्टेंस नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रिंटेड ऑन द पैकेज पैकेज के ऊपर प्रोडक्ट का नाम प्रिंट रहना विच मेक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन फेवरेट ब्रांड मच ईजियर तो ये सारी बातें होती है ग्रेडिंग ग्रेडिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट्स के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं अलग अलग ग्रेड्स इन द सेंस प्रोडक्ट्स के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं ग्रेड ए का प्रोडक्ट ग्रेड बी का प्रोडक्ट ग्रेड सी का प्रोडक्ट चॉकलेट के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं स्टैंडर्ड्स होते हैं तो उसके बारे में ये उसको आइडेंटिफाई करने में मदद हमें करता है नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट लेबल्स भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में मदद करते हैं जैसे कि इट इनेबलिंग द प्रोशन ऑफ द प्रोडक्ट मोर एवर इन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेल्स प्रमोशन स्कीम इज प्रोवाइडेड ऑन द लेवल आगे पढ़ेंगे हम लोग सेल्स प्रमोशन ठीक है तो सेल्स प्रमोशन के बारे में जो भी सारी डिटेल्स होती हैं वो लेवल पे क्लियरली मैं किए हुए रहते हैं और आखिर है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑन रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू लॉ और साथ ही साथ वो लेवल हमें ये भी बताता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये लॉ के अकॉर्डिंग है जैसे कि सिगरेट्स uh, के पैकेट पे लिखा रहता है इट कंज्यूम्स टोबैको ठीक है एल्कोहल के बारे में लिखा रहता है इंजीरियस टू हेल्थ लिया जाता है सैनिटरी वार्निंग्स दी रहती है लेवल के ऊपर तो वो एक मदद करता है हमें बताने में कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है वो लॉ के अनुसार है आप इसे ले सकते हो कंज्यूम कर सकते हो चलो अब बात करते हैं प्राइस के बारे में तो प्राइस क्या बेसिकली होता है जो कि के लिए एक मोबाइल फोन खरीदने जाते हो मार्केट में क्या वो मार्केट वाला आपको मोबाइल फ्री में देगा नहीं फ्री में नहीं देगा बोलेगा भाई साहब पहले पैसे लाओ फिर मैं दूंगा आपको बेसिकली मनी टोटल सम ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज फॉर ऑप्टेनिंग बेनिफिट ऑफ हैविंग और यूजिंग द प्रोडक्ट आप उस जो प्रोडक्ट को यूज करोगे इस प्रोडक्ट से जो भी बेनिफिट लोगे उसके बदले में जो भी आप अमाउंट दे रहे हो दैट इज योर प्राइस प्राइस ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट विदाउट अ प्राइस टैग और गाइडलाइंस डिटरमाइनिंग द प्राइस तो ये एक बेसिक रूल है कि जो भी प्रोडक्ट आप बेचोगे उसका एक प्रॉपर प्राइस टैग लगा हुआ उस पर क्या मिनिमम प्राइस है मैक्सिमम प्राइस होगा एमआरपी बेसिकली होता है वो क्लियरली मैंशन रहता है प्राइस टैग लगा हुआ रहता है चलो इट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट आपको ये चीज़ पता होगा कि जो प्राइस होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है गुड्स के डिमांड में अगर चीपर प्राइस में होगा लोग ज्यादा परचेस करेंगे हायर प्राइस में तो कोशिश करेंगे कम यहाँ पे क्यों ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है जनरली द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट अट्स नेगेटिव रिलेशन विध इट्स प्राइस ये चीज हमने पढ़ा है अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा अगर प्राइस घटेगा तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो कुछ ऐसा सीन बनकर निकल कर आता है इस चीज में प्राइस और डिमांड के रिश्ते में मार्केटर मस्ट सुटेबली डिसाइड तो ये इंपॉर्टेंट है आपको बहुत ही सोच समझ कर प्राइस डिसाइड करना होगा ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्राइस लगा दो और कस्टमर खरीद लेंगे नहीं कस्टमर बहुत ही तेज होते हैं वो एक आ, हर एक चीज को देखते हुए डिसीजन लेते हैं क्या उनके पॉकेट उनकी बजट क्या है क्या उस प्रोडक्ट का जितना वैल्यू क्या उसकी प्राइस उस लायक है या फिर प्रोडक्ट से वैल्यू हमें कुछ नहीं मिल रहा है और प्राइस आपने उसका डबल रख रखा है तो ये चीज दिक्कत कर सकती है तो आपको प्राइस बहुत ही क्लेवरली डिसाइड करना होगा ठीक है तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं प्राइस डिटरमिनेशन में प्राइस डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो सारे फैक्टर्स जैसे कि सबसे पहला आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव अगर एक का उद्देश्य है कि उसे प्रॉफिट्स बनाना है ठीक है अगर एक फॉर्म का उद्देश्य है कि उसे प्रॉफिट्स बनाना है तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा पैसे चार्ज करेगा ध्यान से सुनना इफ द फॉर्म डिसाइड्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन शॉर्ट रन इट वुड चार्ज मैक्सिमम प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट शॉर्ट रन की बात करें अगर फॉर्म का उद्देश्य है प्रॉफिट बनाना तो वह ज्यादा ज्यादा पैसे आपसे चार्ज करेगा मतलब ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा लेकिन अगर बात करें लॉन्ग रन की अगर लॉन्ग रन में उसका प्रॉफिट बनाने का मकसद ही है तो इट वुड ऑप्ट फॉर अ लोअर पर, प्र, पर यूनिट प्राइस सो दैट इट कैप्चर अ लार्जर शेयर ऑफ द मार्केट एंड अर्न अ ग्रेटर प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज सेल ध्यान से सुनना लॉन्ग रन में क्या होगा लॉन्ग रन में वो लो प्राइस रखेगा लो प्राइस रखेगा उसका मकसद क्या है लो प्राइस रखने का कि लार्ज एरिया ऑफ कस्टमर वो कैप्चर कर ले फिर धीरे धीरे वो प्राइसेस को इनक्रीज करेगा तो ये होता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव तो आपका क्या लॉन्ग रन में क्या उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना है सोशल वेलफेयर है तो आप तो प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचोगे ही नहीं लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का उद्देश्य है आपका तो उस सिचुएशन में क्या होगा जल्दी से बताओ क्या होगा उस सिचुएशन में आप शॉर्ट रन और लॉन्ग रन देखोगे शॉर्ट रन में आप प्रॉफिट ज्यादा चार्ज करोगे लॉन्ग रन में आप ज्यादा प्रॉफिट चार्ज नहीं करोगे तो कुछ ऐसी ऐसी, ऐसी बातें होती हैं नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या बोला गया है प्राइस कवर्स ऑल कॉस्ट एंड एम टू अर्न अ फेयर रिटर्न ओवर एंड एव कॉस्ट अब ध्यान से सुनना प्राइस में क्या क्या चीजें होती हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी लागत लगी वो तो होगा ही प्लस एडिशनल मार्कअप होता है ये चीज याद रखना एडिशनल क्या होता है मार्कअप होता है मार्कअप अब कह सकते हो तुम वेरिएबल कॉस्ट भी होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होता है और कुछ प्रॉफिट भी छुपा हुआ होता है तो इस इससे हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट डिटरमाइन होता है सॉरी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन होता है अगर तुम सोच कर देखो उस प्रोडक्ट को बनाने में अगर लागत लगी है पांच हजार रुपए तो क्या हमसे ये हमसे हमारा जो सेलर है ये बस पांच हजार चार्ज करेगा नहीं इस प्रोडक्ट में वो अपनी और एक्स्ट्रा प्रॉफिट एड करेगा वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट सब कुछ ऐड करके तब जाकर ये प्रोडक्ट हम तक पहुंचाएगा ठीक है ध्यान से सुनना एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे अगर किसी प्रोडक्ट का हमें प्राइस डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले वो टोटल कॉस्ट चार्ज करेगा जो भी उसकी लागत लगी हो अब टोटल कॉस्ट में भी बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं जैसे कि सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगा वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा ये तीनों चीज तो चार्ज करेगा ही मतलब प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट तो लेगा ही प्लस एडिशनल वो मार्कअप लेगा मार्कअप मीन्स प्रॉफिट वो एडिशनल प्रॉफिट भी लेगा इस चीज को याद रख लेना राइटिंग गंदी है लेकिन काम चला सकते हो तो ये सारी बातें यहाँ पर होती है आई होप तुम ये समझ पा रहे हो कि जो मैं तुम्हें तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है चलो इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट कॉस्ट सेट्स द फ्लोर प्राइस दट इज मिनिमम प्राइस एट विज द प्रोडक्ट में वी सेल्ड तो वही सारी बातें यहां पे की गई है चलो नेक्स्ट आता है यूटिलिटी एंड डिमांड यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट सेट्स द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस दैट अ बायर वुड बी विलिंग टू पे फॉर प्रोडक्ट आप देखोगे कि उस प्रोडक्ट से आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है आपको बहुत ज्यादा यूटिलिटी रहेगी उस प्रोडक्ट से तो आप ज्यादा प्राइसेस भी पे करने के लिए उस सिचुएशन में रेडी रहोगे बायर्स वुड बी रेडी टू पे टू दिल टू टिल द पॉइंट वेयर द यूटिलिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन और इक्वल टू द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम इट अगर आपको ज्यादा यूटिलिटी उस प्रोडक्ट से मिल रही है तो आप ज्यादा पैसे भी पे करने के लिए वहां पे रेडी रहोगे लेकिन जैसे जैसे आपकी यूटिलिटी सेटिस्फाई होते जाएगी आप कहोगे नहीं भाई साहब हम इतना प्राइस नहीं पे कर पाएंगे इस प्रोडक्ट का क्यों यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई अप्लाय लॉ ऑफ यूटिलिटी बेसिकली जैसे कि हम बोल सकते हैं नेक्स्ट आता है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट आप मार्केट में देखोगे कि हमारे कंपिटेटर्स क्या प्राइस रख रहे हैं उसके हिसाब से आपको प्राइसेस रखने होंगे अगर वो ज्यादा प्राइसेस रख रहे हैं तो आप भी कोशिश करोगे को ज्यादा प्राइसेस रखने का कम कर रहे हैं प्राइसेस तो आप भी कम कर सकते हो प्राइसेस तो ऐसा कुछ यहाँ पे सिचुएशन बनकर आता है देखना पड़ता है हमें कि ये सारे फैक्टर्स को हमें कंसिडर में करके चलना पड़ता है नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी और मार्केटिंग मेथड यूज गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में है तो आपको लोअर प्राइस चार्ज करना होगा कस्टमर से अदरवाइज गवर्नमेंट आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर देगी नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मेथड आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो प्राइस फिक्सेशन में अगर आप ज्यादा प्रमोशन कर रहे हो ज्यादा प्रमोशनल टेक्निक्स लगा रहे हो होवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में उसको रिकवर करने के लिए आप ज्यादा प्राइसेस चूज कर सकते हो प्राइस फिक्सेशन प्रोसेस इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका कौन सा है डायरेक्ट चैनल इस्तेमाल कर रहे हो इनडायरेक्ट चैनल इस्तेमाल कर रहे हो ये सारी चीजें बात करेंगे जब हम लोग प्लेस मिक्स पे जाएंगे प्रमोशन एफर्ट्स क्या है पैकिंग आपकी किस तरीके की हो रही है ठीक है क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह इन सब चीज को कंसिडरेशन में लिया जाता है तब जाकर प्राइस को डिटरमाइन करते हैं हम लोग ठीक है तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई है चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड आता है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारा यहाँ पे फोर पीज में आता है फिजिकल प्लेस मिक्स भी तुम इसे बोल सकते हो एक चीज याद रख लेना प्लेस मिक्स प्लेस प्लेस बोल लो या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो दोनों ही सेम है इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस वेयर दे आर फाइनली कंज्यूम्ड मतलब यहां पे बात हो रही है किसकी कस्टमर की जहां पे गुड्स प्रोडक्शन जहां से हुआ वहां से गुड्स कस्टमर तक पहुंचाना और कंजम्पशन उसी को हम नाम देते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट राइट प्लेस इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम तीन चीजें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोला गया है प्रोडक्ट को राइट जैस प्लेस पे सही जगह पे पहुंचाना राइट right क्वांटिटी में पहुंचाना जितना मांगा गया है उतना और सही टाइम पे पहुंचाना ये तीनों चीजें मैटर मैटर करता है अगर ये तीन चीज आप सही तरीके से कर पा रहे हो तो इसका ये मतलब है कि आपका जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा है आपने जो भी सिस्टम लगा के रखा है वो बहुत अच्छा है तो आगे क्या बोला गया दम नीड्स टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स चैनल और इंटरमीडियरीज क्या क्या होंगे जो कि आपको मदद करेंगे आपके गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में तो ये सारी बातें यहाँ पे होती है ये देख सकते हो ये कोका कोला का ट्रक है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट बेसिकली जिसे तुम बोल सकते हो तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यू डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमें पढ़ना है देख लो ये रहा इसका फंक्शन दे रखा है

अब यहाँ पे एक बात आता है कि आपका जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि आपके कस्टमर्स पूरे भारत में फैले हुए हैं हर जगह पे हर एरिया में हर रीजन में तो कुछ वैसा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिससे आपका प्रोडक्ट हर एक कस्टमर तक हर एक गाँव में पहुंच जाए सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ प्रोड्यूसर टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कस्टमर टू सेल देम क्योंकि कस्टमर अब पूरे भारत में फैले हुए हैं तो डिफिकल्टी तो हमें फेस करनी पड़ेगी तो अलग अलग चैनल्स हो सकते हैं मैन्युफैक्चरर हो गया मैनुफैक्चर जो प्रोडक्ट बनाया

आपके पास प्रोडक्ट बने रहे जब डिमांड आए आप प्रोडक्ट आपने तुरंत भेज दिया तो ये होता है अक्यूमिलेशन एलोकेशन क्या होता है एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो जो भी सॉर्टेड गुड्स है जो कि हमने सॉर्टिंग में किया उन सॉर्टेड गुड्स को क्या करते हैं हम होमोजेनस छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं आपने गुड्स को सिमिलर नेचर के गुड्स को एक पार्ट में कर लिया ठीक है अब उस गुड्स को छोटे छोटे लॉट्स में बना दो तुम तो वो क्या होता है तुम्हारा एलोकेशन होता है ये छोटे छोटे टर्म्स तुमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में ये बता दो मैं सॉर्टिंग क्या है अक्यूमिलेशन क्या है एलोकेशन क्या है ठीक है अब अगर मैं तुम्हें बताऊँ एसॉर्टिंग के इस एसौर्टिंग के बारे में तो में क्या होता है मिडिल मैन क्या करता है ध्यान से सुनना को मैंने उस टाइम डिटेल में में नहीं बताया था में क्या होता है कि मिडिल मैन अलग अलग सप्लायर से गुड्स ऑप्टेन करता है ठीक है क्या करेगा अलग अलग सप्लायर से गुड्स ऑप्टेन करेगा मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूं अच्छे से चार्ट में एक मिनट देखो ये है मिडिलमैन अब यहां पे तुम्हें दो सप्लायर्स देखने को मिल रहे हैं ठीक है दो सप्लायर्स हैं सप्लायर ए जो कि पंजाब में बैठा हुआ है सप्लायर बी हरियाणा में बैठा हुआ है अब ये दोनों अलग अलग चावल भेजते हैं अलग अलग जगह से पंजाब और हरियाणा से मिडिलमैन क्या कर रहा है दोनों सप्लायर से चावल एक्वायर कर रहा है ठीक है दोनों सप्लायर से अब यहां पे एक मिस्टर राम बैठे हुए हैं उनका कहना है मुझे पंजाब के भी चावल चाहिए और हरियाणा के भी चावल चाहिए मतलब कॉम्बिनेशन में चाहिए दोनों तो मिडिल ने तो दोनों चीजें एक्वायर ऑलरेडी कर रखी है वो सिंपली क्या करेगा भेज देगा मिस्टर राम को तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पे किस में एलोकेशन में सॉरी एज में तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन में बताओ मैंने यहाँ लिख रखा है मिडिल मैन ऑफ अ वाराइटी ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर एंड प्रोवाइड देम अ कस्टमर इन द कॉम्बिनेशन डिजायर्ड बाय देम अब यहाँ पे मैंने बस दो सप्लायर का एग्जाम्पल लिया एक सप्लायर पंजाब में एक सप्लायर हरियाणा में और एक सप्लायर मान लो बिहार में है तो अब जो कस्टमर्स है तुम्हारे अब जिस कस्टमर को बिहार और पंजाब दोनों का ही चावल चाहिए होगा वो डिमांड कर लेगा या जिस कस्टमर को बिहार और हरियाणा का चावल चाहिए होगा वो उस हिसाब से डिमांड करेगा तो ये क्या होता है एज सॉर्टिंग लिख सकते हो डेफिनेशन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मिडिल मैन ऑब्टेन अ वेराइटी ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चर एंड प्रोवाइड देम टू द कस्टमर इन द कॉम्बिनेशन डिजाइड बाय देम ठीक है एग्जाम्पल के लिए मैंने तुम्हें राइस का एग्जाम्पल दिया जो कि कहाँ से आ रहा है पंजाब हरियाणा और बिहार या फिर उत्तर प्रदेश तो ऐसा कुछ होता है एजॉर्टिंग का कंसेप्ट आई होप क्लियर हुआ होगा ये तो ये टर्म क्लियर हो गए सॉर्टिंग शॉर्टिंग एलोकेशन और एज सॉर्टिंग चार टर्म्स एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्रमोशन मिडिल मैन पार्टिसिपेट इन द सर्टन एक्टिविटीज जैसे कि डिमोन्स्ट्रेशन ये सारी बातें हम लोग कहां करेंगे प्रमोशन मिक्स में स्पेशल डिस्प्ले कर लो नेगोशिएशन में होता है मैन्युफेक्चरर इंटरमीडियर कस्टमर नेगोशिएट द प्राइस प्राइस को लेकर बातचीत नहीं प्राइस थोड़ा सा कम और कर दो सेलर बोलेगा नहीं प्राइस इतना ही रखूंगा मैं सेलर, बायर बोलेगा थोड़ा सा और कम कर दो तो ये नेगोशिएशन होता है फिर आता है रिस्क टेकिंग रिस्क टेकिंग मर्चेंट मिडिल तो यहाँ पे देखो ये चीज तुम जो देख पा रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसमें बात किसकी हो रही है मिडिल मैन की हर एक स्टेप पे मिडिल मैन की बात हो रही है तो ये चीज तुम दिमाग में लेकर चल सकते हो रिस्क किसके पास होगा मिडिल मैन अपने नाम पे उसने ले रखा है प्रोडक्ट तो रिस्क टेकर कौन हो जाएगा यहाँ पे मिडिल मैन हो जाएगा सब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल समझते हैं एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा ध्यान से सुनना हर एक चीज जो भी मैं तुम्हें बताऊं सबसे पहले तुम देखोगे यहाँ पे अलग अलग चैनल्स तुम्हें देखने को मिल रहे हैं चैनल ए चैनल बी चैनल सी एंड चैनल डी मैंने एरो से दिया है ए बी सी डी मैं इसे बोल रहा हूँ चलो लिख भी दे रहा हूँ ए बी सी एंड डी ये अलग अलग चैनल्स हैं यहाँ पे ठीक है अब इसमें क्या देखो सबसे पहला जो यहाँ पे है मैन्युफैक्चरर है डायरेक्टली कंज्यूमर से वो मैन्युफैक्चरर लेन देन कर रहा है तो इसे हम नाम क्या देंगे डायरेक्ट चैनल नाम देंगे इसमें हम ठीक है क्या नाम देंगे डायरेक्ट चैनल या फिर जीरो लेवल चैनल भी इसे हम नाम दे सकते हैं ये चीज समझ पा रहे हो डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल चैनल क्लियर है ये चीज अब एक चीज तुम देखना ये हर चैनल में चाहे वो चैनल ए हो बी हो सी हो या फिर डी हो मैन्युफैक्चरर हर में है मैन्युफैक्चरर भी है कंज्यूमर भी हर एक स्टेज में है ये चीज तुम देख पा रहे हो चेंजेस कहां पे आ रहा है इन सब में यहां पे चेंजेस आया यहां पे चेंजेस आया यहां पे चेंजेस आया बस सुनते जाना तुम फिलहाल क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा अब यहां पे तुम देख पाओगे यहां पे मैन्युफैक्चरर कांटेक्ट करता है रिटेलर से और रिटेलर कांटेक्ट करता है कंज्यूमर से तो इसे हम नाम देंगे वन लेबल चैनल क्योंकि यहां पे एक इंटरमीडियरी इन्वॉल्व हुआ कौन इन्वॉल्व हुआ इंटरमीडियरी ठीक है तीसरा चैनल मतलब चैनल सी अब यहाँ पे तुम देखोगे दो इंटरमीडियरी गए एक होलसेलर भाई साहब और एक रिटेलर भाई साहब अब पहले प्रोडक्ट आएगा होलसेलर के पास फिर होलसेलर रिटेलर को देगा रिटेलर कंज्यूमर को देगा इसे हम क्या नाम देंगे टू लेवल चैनल क्या नाम देंगे टू लेवल चैनल फिर एक आता है मैन्युफैक्चरर जो हम नाम दे सकते हैं जैसे चैनल डी इसमें मैन्युफैक्चरर एक इंटरमीडिएट आया एजेंट पहला दूसरा होलसेलर तीसरा रिटेलर और चौथा आखिर में हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा तो इसे हम क्या नाम देते हैं थ्री लेवल चैनल इसे हम नाम देंगे क्या हो गया थ्री लेवल चैनल्स तो ये होता है अगर तुम्हें दूसरा चार्ट से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो तुम यहां पे देख पाओगे डायरेक्ट चैनल या फिर जीरो लेवल चैनल यहाँ पे देख पा रहे डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल चैनल जहां पे मैन्युफेक्चर डायरेक्टली कस्टमर को कॉन्टेक्ट करता है तो इंपॉर्टेंट नाम है डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल चैनल फिर आता है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशन है पहला है वन लेवल दूसरा है टू लेवल और तीसरा है थ्री लेवल वन लेवल में एक एडिशनल आएगा रिटेलर टू लेवल में एक आएगा एडिशनल होलसेलर प्लस रिटेलर और थ्री लेवल में एजेंट आएगा होलसेलर आएगा रिटेलर आएगा तो ऐसे कुछ बनता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ चैनल ठीक है क्लियर हो रहा है ये चीज या नहीं हो रहा है जल्दी से बताओ मुझे तो नेक्स्ट अब यहाँ पे निकल कर आता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैंने यहाँ पे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें समझा दिया कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है अब वो कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करता है जब हम लोग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज करते हैं मतलब एक फॉर्म जब चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज करती है कि मैं अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक इस चैनल से पहुंचाऊंगा वन लेवल डायरेक्ट लेवल जीरो लेवल जो भी हो ठीक है इसकी यहाँ पे बात हो रही है तो सबसे पहला था प्रोडक्ट का टाइप क्या है कंपिटिटिव फैक्टर्स क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनी का चौथा बिजनेस इन्वायमेंटल और पांचवा मार्केट फोर्सेस तो ये होती हैं इसके अंदर चीजें डिटेल में समझते हैं यहाँ पे सारी बातें की गई है सबसे फर्स्ट है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स सबसे पहले ये पूछा जाता है भाई साहब आपका प्रोडक्ट का नेचर कैसा है क्या प्रोडक्ट आपका इंडस्ट्रियल गुड्स है या कंज्यूमेबल गुड्स है क्या आपके गुड्स पेरिसेबल हैं या नॉन पेरिसेबल हैं तो इससे हम चैनल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पेरिसेबल जो कि क्या बोलोगे पेरिसेबल को खराब हो जाए या नॉन पेरिसेबल को बोलोगे खराब तो पेरिसेबल नॉन पेरिसेबल ये डिफाइन करता है कि आपको कौन सा चैनल इस्तेमाल करना है इंडस्ट्रियल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर गुड्स जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ अगर तुम्हें फल भेजने हैं तो तुम फल भेजने में तुम डायरेक्ट लेवल का कर इस्तेमाल करोगे या इनडायरेक्ट लेवल का कर इस्तेमाल करोगे सर डायरेक्ट लेवल का कर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये खराब हो जाएंगे ठीक है अगर तुम्हें फ्रिज भेजना है फ्रिज चलो छोड़ दो मैं कपड़े की बात कर लेता हूँ क्लोथ्स की बात करता हूँ तो क्लोथ्स में बेसिकली यहां पे तुम्हें इनडायरेक्ट भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि क्लोथ तुम्हारे खराब नहीं होंगे लेकिन फूड्स खराब हो जाएंगे कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स

सेलर्स उधर बैठे हुए हैं और कस्टमर्स आपके बैठे हुए हैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंचाना है तो ऐसा कुछ होता है नेक्स्ट होता है कम्पिटिटिव फैक्टर्स अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या आती है कंपिटेटिव फैक्टर्स की यहाँ पे बात बेसिकली हो रही है मतलब कंपनीज जो आपके कंपिटीटर हैं वो कौन सा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं आप उसको देखते हुए भी अपने आप चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस ला सकते हो नेक्स्ट आता है मार्केट फैक्टर्स मतलब साइज ऑफ मार्केट क्या है जोग्राफिकल कंसेंट्रेशन क्या है मतलब अगर आपके कस्टमर्स इकट्ठे एक जगह पे बैठे हुए हैं तो उस सिचुएशन में आप शॉर्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करोगे यार एक रीजन में है। बिहार में, में मेरा पूरा कस्टमर बैठा हुआ है मैं पूरा डायरेक्ट शॉर्ट चैनल से डायरेक्ट कस्टमर को भेज देता हूँ सारा सामान लेकिन अगर लॉन्गर अलग अलग स्टेट्स में लॉन्गर चैनल है आपका ठीक है कंसंट्रेटेड नहीं है अलग जगह फैले हुए हैं तो उस सिचुएशन में लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होगा पांचवा आता है इन्वायमेंटल फैक्टर्स मतलब लीगल कंस्टेंट जिसे कि तुम बोल सकते हो या कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे है डिप्रेस्ड इकोनमी में जनरली शॉर्टर चैनल इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जो इकॉनॉमी बूम पीरियड में है उसमें आप लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ध्यान से पढ़ लेना एक बार क्लियर हो जाएगा ठीक है चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम योग यहाँ पे प्रमोशन की आखिरी पी है हमारा यहाँ पे बहुत ही आसान है कुछ नहीं है इसमें टेंशन लेने वाली बात बात नहीं है प्रमोशन रिफर्स टू द यूज ऑफ अ कम्युनिकेशन विथ द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर अबाउट अ प्रोडक्ट एंड परसुएटिंग देम टू बाय प्रमोशन क्या होता है आसान भाषा में बताऊं तो प्रोडक्ट को प्रमोट करना प्रोडक्ट क्या है? एक बेसिकली कम्युनिकेशन है जिसमें हम दो काम कर लेते हैं सबसे पहले अपने हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर कर देते हैं उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बता देते हैं और दूसरा उन्हें परस्यू करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे ये चीज यहाँ पे निकल कर आती है नेक्स्ट आता है प्रमोशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बाय विच मार्केटर यूज वेरियस टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन टू इनकरेज एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट मतलब अलग अलग टूल्स आते हैं प्रमोशन के अंदर आगे पढ़ेंगे जैसे पब्लिसिटी हो गया पब्लिक रिलेशन हो गए एडवर्टीजमेंट हो गए वेरियस कूपन हो गए ये सारी चीजें इट रिफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स टेक्निक्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है टू इंड्यूस एंड एंडसुड कस्टमर टू बाय इट्स प्रोडक्ट मतलब उन्हें उकसाना तुम बोल सकते हो जैसे कि फेस्टिव सेल्स तुम देखते हो कि निकलता है एंड ऑफ द सीजन सेल निकलता है उस सिचुएशन में हमें अलग अलग कंपनीज कूपन्स ऑफर करती हैं वाउचर्स ऑफर करती हैं तो उस सिचुएशन में वो कंपनी तुम्हें इंड्यूस कर रही है कि लो मैं अपने प्रोडक्ट तुम्हें इतने दाम कम पे दे रहा हूँ सेल चलता है कि अभी प्रोडक्ट पर ट्वेंटी परसेंट ऑफ है थर्टी परसेंट ऑफ है तो वो सारे प्रमोशनल टेक्निक है प्रमोशनल टूल्स का वहाँ पे इस्तेमाल होता है जैसे कि अगर बात करूं प्रमोशन मिक्स की तो इसके अंदर अलग अलग टूल्स आते हैं जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो गया पर्सनल सेलिंग हो गया सेल्स प्रमोशन पब्लिसिटी ये बेसिक चार प्रकार के इसके अंदर टूल्स आते हैं तब जाकर बनता है हमारा प्रमोशन मिक्स एक एक करके सबको समझते हैं बहुत आसान आसानी से तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा सबसे पहले बात करूंगा एडवर्टाइजिंग की तो एडवर्टाइजिंग सबसे पहले बता दू ये नॉन पर्सनल टाइप का होता है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं क्या एडवर्टाइजिंग पर्सनल टाइप का है या फिर नॉन पर्सनल टाइप का है तो आंसर होना चाहिए एडवर्टाइजिंग इज नॉन पर्सनल टाइप तो ये चीज क्लियर रख लेना कि एडवर्टाइजिंग जो होता है हमारा वो नॉन पर्सनल टाइप का होता है तो ये चीज तुम्हारा क्लियर हुआ होगा कि एडवर्टाइजिंग जो होता है हमारा नॉन पर्सनल टाइप का होता है फॉर प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस ऑफ आइडिया अब कुछ अलग अलग प्रमोशन होते हैं अब मैंने तुम्हें ये बता दिया कि ये हमारा नॉन पर्सनल होता है मतलब इमपर्सनल होता है जो कि मार्केटर पे करता है अलग अलग कंपनीज को स्पॉन्सर को कि आप उनके गुड्स को प्रमोट करो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो गे होर्डिंग्स बनी हुई है यहाँ पे क्या बनी हुई है होर्डिंग्स बनी हुई है तो यहाँ पे कस्टम कंपनी के बैनर लगेंगे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन होगा प्रमोशन आप न्यूज के थ्रू कर सकते हो मैगजीन्स के थ्रू कर सकते हो टेलीविजन के थ्रू रेडियो के थ्रू किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हो तो एडवर्टीजमेंट तुम समझ पा रहे हो अपने डेली लाइफ से तुम रिलेट कर पा रहे हो इसके कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स दे रखे हैं फीचर्स मैं बताऊंगा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स तुम खुद से करोगे Teachers में देखना पेड फॉर्म का होता है इम्पर्सनलिटी होती है और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है एडवर्टाइजमेंट फ्री में नहीं किया जाता यह चीज तुम समझ लो इसके बदले हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट बेयर करने होते सामने वाले को हमें इसके बदले कॉस्ट देने पड़ते हैं तब जाकर हमारा हमारे प्रोडक्ट्स को वो एडवर्टाइज करता है इमर्सनैलिटी होती है आप यहां नहीं पहुंचाते हो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते हो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करते हो नॉन पर्सनल होता है इम्पर्सनल होता है

स्पॉन्सर कंपनीज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स होते हैं तो फीचर्स में प्लेटफॉर्म इम्पर्सनैलिटी और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है मेरिट्स और डीमेरिट्स से क्वेश्चंस निकलेंगे लिख के दे रहा हूँ क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं तो इस चीज को पढ़ लेना तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं बहुत ही आसान है जैसे कि लिमिट मेरिट्स में दिया गया कि मास रिच एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप बहुत लोगों तक पहुंच सकते हो मास रिच इन देंस तो मान लो सिटी का जो हर्ट एरिया है सिटी का जो सेंटर एरिया है उस सेंटर एरिया में तुमने बहुत बड़ी होर्डिंग लगा दी अपने कंपनी के बारे में अपने प्रोडक्ट के बारे में लोग देखेंगे उसके बारे में हो सकता है घर पे जाके गूगल करेंगे सर्च करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में तो बहुत लोगों तक आप पहुंच पा पा रहे हो एक कोर एरिया में अपने पोस्टर्स और होर्डिंग लगाकर फिर एक्सप्रेसेंसिव हो सकता है इकोनॉमी हो सकता है तो इन सबको जब पढ़ोगे पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा ठीक है चलो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है एडवर्टाइजिंग का तो सम समोनेट से दैट एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग इज अ सोशल वेस्ट इट एड्स टू द कॉस्ट कुछ लोगों का कहना है कि जो एडवर्टीजमेंट करते हैं वो फालतू होता है ठीक है फालतू इन देंस कि वो फालतू के आपके कॉस्ट को बढ़ाएगा आप कॉस्ट अल्टीमेटली अपने कंज्यूमर से चार्ज करोगे चार्ज तो भाई सब करेंगे ही ना जो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा आ रहा है वो कोई पॉकेट से थोड़ी ना करेगा नेक्स्ट आता है यहां पर बोला गया ऑब्जेक्शन सॉरी ऑब्जेक्टिव मैंने बोला ऑब्जेक्शन है ऑब्जेक्शन है क्लियर दोबारा से बता रहा हूं ऑब्जेक्शन क्या क्या रुकावटें आती हैं एडवर्टाइजिंग में या दिक्कतें रुकावट तो पहला एड्स टू कॉस्ट आपके कॉस्ट फालतू के बढ़ेंगे सबसे पहली बात ये होती है यहाँ पे आप जितना एडवर्टाइजमेंट अच्छा करोगे आप कॉस्ट आपको उसमें लगेगी और वो कॉस्ट आप अल्टीमेट कंज्यूमर से चार्ज करोगे एंड यूजर से चार्ज करोगे दूसरा अनडिटरमाइन सोशल वैल्यूज मतलब सोशल वैल्यूज को अनडिटरमाइन करना इन द सेंस की आप जो चीज प्रमोट कर रहे हो सकता है वो एथिकली ना हो हो सकता है वो गलत आप चीज बता रहे हो बायर्स को कंफ्यूज करना सिमिलर प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से बताना तो ये कंफ्यूजन हो सकता है इनकरेज सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स देखो अभी के टाइम पे होता क्या है जो खराब प्रोडक्ट्स भी होते हैं अगर उसकी एडवर्टीजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है किए जाते हैं तो इन्फीरियर गुड्स भी बिकने लगते हैं तो एडवर्टीजमेंट इनकरेज करता है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स को और कुछ एडवर्टीजमेंट बैड टेस्ट के होते हैं मतलब कुछ लोग उसे पसंद करते हैं कुछ लोग उस के खिलाफ हो जाते हैं तुम भी टीवी पे देखते हो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जो कि तुम्हें पसंद नहीं आते होंगे तुम उसके अगेंस्ट होते हो तो ये बैड टेस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्शन की तरह काम करता है एड टू कॉस्ट कॉस्ट फालतू का बढ़ेगा अनडिटरमाइन सोशल वैल्यूज बायर को कंफ्यूज करना एक इम्प्लॉ ये कस्टमर से जाके डायरेक्टली मिलते हैं प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे खासियत है ये फीचर है अगर मेरा प्रोडक्ट यूज करोगे तो ये बेनिफिट मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है पर्सनल सेलिंग हो रहा है आप जाकर गुड्स के बारे में बता रहे हो गुड्स को बेच रहे हो तो पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट ऑफ कंटेक्ट कॉन्टेक्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट पर्सनली मतलब गेटिंग इन्वॉल्व इन फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड बायर ये है सेलर और ये है बायर दोनों का यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है और ये रिजल्ट कर रहा है किस चीज में पर्सनल सेलिंग में तो पर्सनल कॉन्टेक्ट यहाँ पे स्टेब्लिश होता है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर और ओरल कन्वर्सेशन होता है और क्विक सॉल्यूशन मिल पाता है क्वेरीज की आपने डाउट पूछा तुरंत आपको डाउट का रिप्लाई मिल गया तो ये पर्सनल सेलिंग कुछ ऐसा होता है आई होप ये चीज क्लियर हो पा रहा होगा अब यहाँ पे पर्सनल सेलिंग्स के रोल्स को डिफाइन किया गया है जैसे इफेक्टिव प्रमोशनल टूल माना जाता है क्योंकि हम जाकर घर पे डायरेक्टली कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं उसके जो भी मेरिट्स होते हैं हाँ भले डिमेरिट्स को वहां मेंशन नहीं करते लेकिन मेरिट्स को हम लोग वहां पे मेंशन करते हैं फ्लेक्सिबल टूल हो सकता है ये हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं ठीक है फिर अगर मान लो कोई बंदा एक्सपर्ट है पर्सनल सेलिंग में उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो हम उसे भेजेंगे पर्सनल सेलिंग के लिए वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एफर्ट्स के जो हमारे वेस्ट होते हैं उसको कम करना कंज्यूमर को अटेंशन लास्टिंग रिलेशन क्योंकि आप खुद जाकर उन्हें बता रहे हो पर्सनल रिपोर्ट होगा यहाँ पे बेसिकली और रोल ऑफ रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज और लिंक विद द कस्टमर तो इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है लेकिन एक बार देख लेना

पन मिल जाना ज्यादा कैशबैक मिल जाना एक्स्ट्रा बचत कर पाना मॉल्स में एक शर्ट टी शर्ट खरीदो तो, दूसरा टी शर्ट तुम्हें फ्री मिलेगा फ्री सैंपल्स देना ये सारे सेल्स प्रमोशन है अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने गुड्स को प्रमोट करना ठीक है सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज दीज इंक्लूड्स एक्टिविटीज जैसे कि ऑफरिंग डिस्काउंट डिस्काउंट दे देना प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन ऑफरिंग फ्री सैंपल्स जो कि प्रमोशनल वैसे एक्टिविटीज जो कि आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करे बायर्स को इंड्यूस करे उन्हें लालच दे रहे हो कि तुम एक खरीदो दूसरा फ्री मिल जाएगा तो ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक होते हैं इसी में आता है रिबेट हो गया रिबेट क्या होता है ध्यान से सुनना प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड एट स्पेशल लो प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सो दैट एक्सेस इन्वेंट्री कैन बी क्लियर ऑफ आपके वेयर हाउस में बहुत सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं किसी भी प्रोडक्ट के वो क्लियर नहीं हो रहे अब आप क्या करोगे एक सेल निकालोगे कि ये सेल पांच दिन के लिए होने वाला है पंद्रह से लेके बीस तक का ये सेल होने वाला है इसमें आपको हमारी प्रोडक्ट्स बहुत ही कम प्राइस पे मिलने वाली है दस हजार के प्रोडक्ट्स आपको तीन हजार में मिलने वाले हैं तो आपने यहाँ पे क्या किया रिबेट दिया हाँ भले इतना लंबा डिस्काउंट नहीं मिलता है मैं इतना लंबा रिबेट छूट की यहाँ पे बात हो रही है इतना छूट हमें नहीं मिलता है तो ये चीज हो रहा है एक्सेस इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए एक्सेस स्टॉक जो आपके पड़े हुए हैं वेयर हाउस में उसको क्लियर करने के लिए हो रहा है तो इसे हम नाम देंगे रिबेट नेक्स्ट आता है यहाँ पे डिस्काउंट

जैसे अभी कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं डोमिनोज का हैप्पी डोमिनोज हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था यह चीज आपको पता होगा अगर आपने पिज्जा वगैरह ऑर्डर किया होगा तो उसमें एक एक अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हो मान लो आपने अगर रेगुलर एक पिज्जा ऑर्डर किया तो उसके साथ आपको डोमिनोज क्या करता था एक गिफ्ट भेज देता था उसमें गार्लिक ब्रेड होता था या फिर एक छोटा सा ऑनियन पिज्जा कुछ भी हो सकता था उसमें यह गिफ्ट बहुत लगभग लंबे टाइम तक चला था ये अप्रैल में भी रहा है और मे में भी ये चला है डोमिनोज का ये बर्थडे सेलिब्रेशन तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है डोमिनोज की तरफ से आपको प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन में दिए जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए अब लोगों को यह चीज पता चलेगा कि डोमिनोज अपने प्रोडक्ट की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो लोग ज्यादा ऑर्डर करेंगे कि अच्छा चलो एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है लेकिन देखोगे एक चीज समझोगे तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा नहीं होता है मैं तुम्हें अगर एक चीज बताऊं डोमिनोज से अगर कोई भी पिज्जा ऑर्डर करते हो तो वहां पे कूपन अप्लाई करने का सेक्शन रहता है और मैक्सिमम टाइम में हमें वो कूपन मिल जाता है ठीक है मैक्सिमम टाइम में कूपन मिल जाता है अगर मान लो चार का पिज्जा है तो वो आपको दो सौ या ढाई के अराउंड पड़ता है कूपन लगाने के बाद या फिर तीन का वो पिज्जा पड़ता है लेकिन जब ये बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था उस कूपन सेक्शन में क्या किया गया आप अगर कूपन अप्लाई करते हो तो वो आपको फ्री गिफ्ट नहीं मिलेगा फ्री गिफ्ट नहीं मिलेगा मान लो चार सौ का पिज्जा है ठीक है और आपने यहां पे सोचा कूपन अप्लाई करते हैं इस जगह पे तो वो कूपन अप्लाई नहीं कर सकते हो यहां पे क्योंकि ऑलरेडी गिफ्ट का कूपन अप्लाइड है तो ये आप पे करोगे चार सौ ही रुपए और हाँ आपको एडिशनल में एक गिफ्ट मिल रहा है एक पिज्जा और मिल रहा है तो ये चीज तुम समझ पा रहे हो नॉर्मल डेज में क्या होता है चार सौ रहेगा यहां पे कूपन अप्लाई का करने का ऑप्शन रहता है ऑप्शन वहां भी रहता है लेकिन अगर आप ये गिफ्ट रिमूव करते हो और वो फिफ्टी परसेंट ऑफ वाला कूपन लगाते हो या फोर्टी परसेंट ऑफ वाला कूपन लगाते हो तो आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा नॉर्मल डेज में हमने कूपन यहाँ पे लगा दिया फोर्टी परसेंट वाला और हमें दो सौ का ऑफ मिल गया या फिर दो सौ बीस का दो सौ अस्सी एक सौ अस्सी का ऑफ मिल गया और हमें प्रोडक्ट दो सौ बीस का पड़ा तो ऐसा कुछ होता है तो ये चीज तुम समझ पा रहे हो क्या है जस्ट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक हाइप क्रिएट करने के लिए कि डोमिनोज अपने प्रोडक्ट का हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो ये सारी चीजें किसमें आती है प्रोमोशनल टेक्निक्स में आती है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन क्वांटिटी गिफ्ट एडिशनल होगे स्पिन एंड का सिचुएशन आता है आप चक्की घुमाओ आपको कुछ गिफ्ट निकलेगा लकी ड्रॉ हो गया यूजेबल बेनिफिट कॉन्टेस्ट इन सबको एक बार रीड करोगे पूरी तरह से क्लैरिटी तुम्हें मिल जाएगी ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं ठीक है बहुत ही आसान है रीड करना सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाएगा चलो नेक्स्ट आता है पब्लिक रिलेशन कुछ भी नहीं है पब्लिक के नजर में अच्छा इमेज बनाना अपनी कंपनी का इज पब्लिक रिलेशन इट रिफर्स टू एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट और प्रोटेक्ट द इमेज ऑफ द कंपनी और इट्स प्रोडक्ट इन द आईज ऑफ पब्लिक पब्लिक के नजर में अपने कंपनी को प्रमोट करना अपने कंपनी के इमेज को बचाए रखना पब्लिक रिलेशन होता है अब पब्लिक रिलेशन अलग अलग सोर्सेस से किए जाते हैं टेलीविजन के थ्रू न्यूज के थ्रू रेडियो एंड टीवी के थ्रू इवेंट्स करके कम्युनिकेशन करके ट्रस्ट बना के रेप्यूटेशन दिखा के ये सारी चीजें तो रोल्स कुछ कुछ यहां पे दिए गए हैं जैसे कि सबसे पहला होता है प्रेस रिलीज सॉरी प्रेस रिलेशन द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी मेंटेन्स अ गुड रिलेशन विद द प्रेस सो दैट ट्रू एंड पॉजिटिव न्यूज अबाउट द कंपनी सर्कुलेट्स द आउटसाइड द वर्ल्ड एंड नॉट एनी अदर डिसेड इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम अदर सोर्सेज अब यहाँ पे क्या करती है कंपनी जो होती है कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ठीक है एक अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ होता है वो डिपार्टमेंट क्या करेगी जितने भी टीवी हाउसेस है चैनल न्यूज हाउसेस है वो उससे अच्छा रिश्ता मेंटेन करेगी सो so दैट वो कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली बुरी बुरी बातें कस्टमर के इमेज में नालाये तो ये प्रेस रिलेशन होता है मतलब आप वेरियस न्यूज हाउसेस को कंसल्ट करके अपने कंपनी कम, का एक अच्छा इमेज मेंटेन कर रहे हो दूसरा आता है प्रोडक्ट पब्लिसिटी प्रमोशन एंड पब्लिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन इजिली फैसिलिटेड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इसके लिए अलग अलग सेमिनार्स कंडक्ट करना कल्चरल इवेंट्स क्रिएट करना न्यूज कॉन्फ्रेंसिस करना कंपनी आए दिन करते रहती है सेमिनार्स बना करती है तो इससे पब्लिसिटी होती है प्रोडक्ट की नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेट विद द पब्लिक एंड एम्प्लॉइज सो दैट दे कैन मेंटेन देयर गुडविल दिस इज डन विद हेल्प ऑफ न्यूज लेटर आर्टिकल ब्राउस एंड थ्रू अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अब यहां पर कंपनी क्या करती है अपने इंप्लॉयज के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाकर चलती है कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन बना के चलती है सो so दैट उसकी गुड good, गुडविल बने रहे अब ये गुडविल कैसे बनाई जा सकती है कम्युनिकेशन कैसे की जा सकती है बायजिंग न्यूज लेटर्स न्यूज लेटर जारी करके आर्टिकल्स इशू करके ब्रॉशर्स इशू करके पेपर्स में तुम देखते हो नेक्स्ट आता है लॉबिंग लॉबिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल से डील करना होता है बिजनेस को लेकर इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर तो जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होती है उसको यहाँ पे एक एक्टिव और क्रूशियल रोल प्ले करना होता है इन प्रमोटिंग और डिकोडिंग रेगुलेशंस विद इफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है तो इसे हम नाम देंगे लॉबिंग फिर आता है काउंसलिंग द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट प्रोवाइड काउंसलिंग टू द मैनेजमेंट और जनरल इशू जैसे कि कंट्रीब्यूटिंग मनी फॉर सोशल कॉज अंडरटेकिंग एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू एक्टिविटीज्यूटनाइजनल गुडविल मतलब सोसाइटी के लिए कुछ चीजें करना जो डिपार्टमेंट बैठी हुई है वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करे कि जो कि सोशल कॉज में रिलेट करे तो इस कुछ चार से पांच प्रकार के रोल होते हैं पब्लिक रिलेशंस के आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा अब यहां पे तुम्हारे लिए एक होमवर्क है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग दोनों को क्लियरली अच्छे से पढ़ना क्लैरिटी मिल जाएगी